मिनट। बाबा कहते मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार समय पर आकर शरीर धारण में करता हूँ। भगवान इस सृष्टि पर कब आते हैं? एकदम बिल्कुल ड्रामा प्लान अनुसार, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग के अंतिम समय जब सतयुग आने वाला होता है, उसके अंतिम समय में परमपिता हम सभी बच्चों को बताते हैं अंतिम समय अर्थात संगम युग। जो आप पूर्व में देखे संगम युग में परमात्मा पिता आकर के हम सभी बच्चों को अभी ये ज्ञान सत्य दे रहे हैं और बहुत जल्द सतयुग आने वाला है। नई बाबा शिव बाबा कहते हैं कि सब बाबा कहते हैं कि यह ड्रामा प्लान अनुसार मैं शरीर धारण नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं। अब तुम बच्चे जगे हुए हो, अब बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जागे हुए हो, दुनिया के मनुष्य सब सोए पड़े हैं, दुनिया के मनुष्य सब सोए पड़े हैं बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जाग गए। अर्थात जो परमात्मा का 7 डेज का कोर्स किए उनको सत्य ज्ञान मिला कि भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं, सत्य परिचय दे रहे हैं, हमें वो भाग्य बनाने की विधि बता रहे हैं, राज्यों की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे जाग गए हो, बाकी सब बाबा कहते मनुष्य सब सोए पड़े हैं। तो सोए हुए मनुष्यों को क्या हम सभी का फर्ज है? जो हम लोग जगे हुए हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हर एक मनुष्य आत्माओं को जगाना हम सभी मनुष्य आत्मा हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का परम कर्तव्य बनता है। तो बाबा कहते हैं जबकि तुम्हारे पास आ करके समझे और ब्राह्मण बने, बाबा कहते जबकि तुम्हारे पास आकर के समझे और ब्राह्मण बने। शिव बाबा हम सभी बच्चों पर ब्रह्मा कुमार कुमारी के ऊपर में कितना बड़ा जिम्मेवारी दे रहे हैं, भगवान हम सभी बच्चों को आगे रखे हैं निमित्त मात्र, लेकिन भगवान कहते हैं जबकि तुम्हारे पास आकर के समझे और ब्राह्मण बने। जब तक ब्रह्मा कुमार कुमारी के पास मनुष्य आत्मे नहीं आएंगे, ये 7 दिनों का कोर्स नहीं करेंगे, तब तक शिव बाबा कहते हैं वो कुछ भी समझ ना सके, तुम्हारे पास आना पड़े और उसे ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना पड़े। और सत्संगों में कोई भी जा करके बैठ सकते हैं बाबा कहते हैं, और सत्संग में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं, यहाँ ऐसे कोई आ ना सके क्योंकि यह पाठशाला है बाबा कहते हैं। भगवान का ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या पाठशाला है? तो 7 डेज कोर्स करने के बाद ही अलाव होता है कि आप ये मुरली का क्लास आप सुनेंगे या आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मतलब बाबा कहते हैं कि ऐसे यहाँ पर नहीं आ सकते कि क्लास चल रहा है, इसलिए बाबा कहते हैं कि 7 डेज का कोर्स करते हैं उसके बाद ही ये मुरली का क्लास आप सुनेंगे तो आपको 100% ये बातें समझ में आएगा। यूं तो ये परमात्मा का वाणी सच्चा सच्चा श्रीमद् भागवत गीता है, आप अच्छी बातें सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा ही कि ये भगवान का वाणी परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं अभी, है ना। लेकिन 7 डेज का जब आप कोर्स कर लेते तो ये वाणी एकदम 100% आपको अच्छी रीति से समझ में आता है। वेरेस्ट्री के इम्तिहान में तुम जा करके बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं बाबा कहते हैं। वेरेस्ट्री के इम्तिहान में तुम जा करके बैठे तो क्या कुछ भी नहीं समझ सकेंगे? यह है ही बिल्कुल नई बातें बाबा कहते हैं। कोई भी चीजें, कोई भी अगर नए प्रश्न है उसको अगर हम डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर कोई भी स्टडी में अगर हम उसको बैठा दें या डायरेक्ट किसी भी चीजों में अगर भेज दें तो कोई भी लोग किसी भी फील्ड में नहीं समझ सकते हैं जब तक उसका ट्रेनिंग उसका पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक। बाबा कहते पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता है, पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आता है। आत्मा सुंदर बाबा करे आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय होता है। यह बात तो बरोबर ठीक है, परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते हैं, बुद्धि से समझा जाता है। मैं आत्मा शिव बाबा कहते हैं बुद्धि से समझा जाता है ना कि मैं आत्मा हूं। कई तो यह भी नहीं मानते हैं, कह देते हैं नेचर है, फिर उसका वर्णन भी करते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि कई लोग हैं जो आत्मा को भी नहीं मानते हैं, कई ऐसे मनुष्य हैं जो आत्मा को नहीं मानते, कहते एक नेचर है। तो शिव बाबा कहते हैं कि अनेक मत हैं, तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है बाबा कहते हैं। हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को या विशेष जो भी भाई बहने हैं सभी लोगों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ब्रह्मा कुमार कुमारी समर्पित हैं, ऐसा नहीं। ब्रह्मा कुमार कुमारी जो ब्रह्मा मुख से जो सत्य ज्ञान सुने, जो सत्य ज्ञान को सुने समझे, तो बाबा कहते हैं निश्चित रूप से वो आत्माएं इस सत्य ज्ञान को समझती। तुम बच्चों की इस नॉलेज में बिजी रहना, कर्मेंद्रियां जो धोखा देती है उसको भी वश में करना है। ये हम सभी का पढ़ाई चल रहा है, अभी 1 घंटे का स्टडी है, हम लोग के लिए 23 घंटे क्या है, एग्जाम है। कहीं ना कहीं परीक्षा तो माया का निश्चित रूप से आएगा। इतने ऊंचे पद के अधिकारी जो बाबा सतयुग ला रहे हैं उसमें इतने उच्च पद अर्थात देव पद की प्राप्ति करने से पूर्व हमें हर प्रकार की परीक्षाओं को पास करना ही होगा। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा जो पेपर है हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इस सारी कर्मेंद्रियों को हमें वश में करना है। और बाबा कहते हैं राजयुग का पढ़ाई का मुख्य कहेंगे कि पढ़ाई से
सबसे मुख्य जो है वो हमारे अंदर में जो कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर आता है वो सारे कर्मेंद्रों को वश करेगा। लेकिन कहते हैं कि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ नहीं हो सकता है। इसके लिए निरंतर अटेंशन देने की ज़रूरत है हमारे मन और बुद्धि पर। जब तक ये माइंड और इंटेलेक्ट पर हम कंट्रोल करने का अटेंशन नहीं देंगे, तब तक हमारी मन कुछ ना कुछ चंचलता करता रहेगा, बुद्धि में हमारे अंदर में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स व्यर्थ की चीज़ें आते रहता है। इससे बाबा स्पष्ट बता रहे हैं कर्मेंद्रियाँ जो धोखा देती है ना, बाबा कहते हैं उनको भी वश में करना तुम्हें। मुख्य है आंखें जो सब कुछ देखती है, बाबा कहते हैं मुख्य क्या है, आंखें जो सब कुछ देखती है। आंखें ही बच्चा, बाबा कहते हैं बच्चा देखती है तो कहती यह हमारा बच्चा है, नहीं तो समझे कैसे। बाबा कहते हैं आंख देखी तो बोलेंगे मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे घर में ये है आदि। तो आंख देखी तभी तो, आंख देख रही है। अब बाबा क्या समझा रहे, कोई जन्म से ही अंधे होते हैं, फिर उनको समझाते हैं यह तुम्हारा भाई है, देख नहीं सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं, वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें नहीं है। बाबा कहते हैं धोखा देने वाली आंखें नहीं है, भल और कुछ काम, बाबा कहते हैं भल और कुछ काम वह कर ना सके, ज्ञान अच्छा ले सकती है। शिव बाबा स्पष्ट क्या बता रहे हैं, वास्तव में अच्छे, आज बाबा क्या समझा रहे हैं, वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें नहीं है। आज बाबा किसको याद कर रहे हैं, जिनको आंखें नहीं है, कुछ ना कुछ तो पूर्व जन्म के अनुसार किसी का आंख नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता या कट जाता, कुछ भी है, लेकिन आज भगवान उनको भी कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ी उनकी विशेषता देख रहे हैं कि जो आत्माओं की आंखें नहीं देख रही है तो कुछ ना कुछ वो बुरे कर्म, पाप कर्म है ना, या देवहान है ना, कि मेरे बच्चा, जैसे भी बाबा बताया बच्चा है, मेरे पति है, मेरे ये है, तो इस प्रकार की देवहान की बातें नहीं रहेगा, मतलब आंखें नहीं तो निरंतर उसको बुद्धि से समझ सकते हैं कि हम आत्मा एक ज्योति स्वरूप है और परमात्मा डिवाइन लाइट है। तो बाबा कहते हैं जिनके आंखें नहीं है वो भी इस ज्ञान को बहुत अच्छा ले सकते हैं। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को भी देखे, दूसरों को देखे तो बुद्धि जाएगा जरूर, उनको पकड़े भी, देखते भी, बाबा कहते देखते ही नहीं तो पकड़ेंगे कैसे, है ना, अगर आंखें से देख नहीं रहे तो हम पकड़ेंगे कैसे। तो बाप समझाते कर्मेंद्रियों को पक्का करना है, कर्मेंद्रियों को पक्का बाबा कह रहे करना है, अर्थात बाबा कह रहे बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों को पक्का करना अर्थात पवित्र बनाना, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना है। बाबा आजकल दुनिया में इतनी सारी विकर्म पाप कर्म है ना क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दैहिक भान से देखते हैं। तो आज भगवान हम सभी बच्चों को स्पष्ट गाइड कर रहे हैं कि बच्चे किसी भी बहन को कभी भी बुरी दृष्टि से नहीं देखना है। तुम भी बहन भाई हो ना, बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल ना आए। बाबा कहते हैं भल, आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं। आज कलयुग में क्या है, कहते हैं कि भाई बहन का भी रिश्ता अपवित्र हो गया है संसार में, परंतु लॉ मुस्लिम भाई बहन के बुरे ख्यालात बिल्कुल नहीं होते हैं, नहीं हो सकते, नहीं रहेंगे। ये तो नियम ही है कि भाई बहन की पवित्र रिश्ता होता है ना, परंतु जो है बाबा कहते हैं कि ये मुस्लिम लॉ मुस्लिम है, अर्थात ये तो बिल्कुल बाबा कहते हैं नियम है, भाई बहन में कभी भी बुरी दृष्टि नहीं होती है। लेकिन कलयुग अभी इतने तमो प्रधान स्टेज में सारी इस सृष्टि का अंतिम स्टेज आ चुका है, इतनी बुरी दृष्टि प्रीति वाले आत्माएं सब बन चुके हैं कि बाबा कहते हैं ये संसार में कि बाबा कहते हैं कि भाई बहन का भी रिश्ता खराब हो पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते पवित्र दृष्टि वृत्ति कृति हम सभी बच्चों को निश्चित रूप से बनाना है, और इसके लिए ही हमें पुरुषार्थ करना है। जब ये अटेंशन रख करके हम पुरुषार्थ करते हैं तभी हमें भगवान कहते आने वाली स्वर्णिम सृष्टि, जिसमें आपसे आप कोर्स में सुने होंगे 21 जन्म के भाग्य की प्राप्ति, याद होगा आप सभी को, सत्युग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, ये 20 जन्म और एक जन्म अभी संगम युग का, जो वर्तमान समय हम सभी भगवान का सत्य ज्ञान लेते हैं, परिचय सुनते हैं और 7 डेज का जो कोर्स करते हैं, तो इन सारी चीजों को समझते हैं अभी संगम युग में। तो संगम युग का एक जन्म जो भगवान हम सभी बच्चों को रोज गाइड कर रहे हैं, तो जो बच्चे इतना पवित्र बनने का मेहनत करेंगे निश्चित रूप से वही आत्माएं देवी और देवता पद की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि आप ये जानिए कि जो पुरुषार्थ करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, निश्चित रूप से वही पद पाएंगे, और जो पढ़ेंगे नहीं, जो पढ़ाई नहीं करेंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे, वो क्या पद पाएंगे देवपद की। सत्ययुग में आने वाली स्वर्णिम सृष्टि के लिए पढ़ाई जब हमें करना है, जब सत्य परिचय हम सभी बच्चों को जानना है, तो बाबा करके हम सभी बच्चों को क्या स्पष्ट बता रहे हैं कि हम
हम एक बाप के बच्चे हैं, क्या बुद्धि में रखना, हम सभी एक बाप के बच्चे हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो यह ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। शिव बाबा स्पष्ट बता रहे हैं कि तुम बच्चों को कितने पूरा बार बोले भाई पूरा बहन? पक्का हो जाना चाहिए कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, यह ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए हम भाई बहन हैं। हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई भाई हैं, फिर शरीर में जब आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन बनते हैं, क्योंकि हम सभी एडोप्टेड चिल्ड्रेन हैं, बाबा कहते हैं। तो सारी बातों को समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है कि बाबा क्या बता रहे हैं? बहुत यूनिक और बहुत वंडर, जो वर्तमान समय के अनुसार हम सभी को आत्मिक स्वरूप, भाई बहन की दृष्टि, बहुत पवित्र दृष्टि, बाबा कहते बनाने का पुरुषार्थ करना है। यही माया हम सभी के लिए बहुत बड़ा विघन रूप बनती है। तो इसलिए श्री बाबा कहते हैं कि अपने मन बुद्धि को बिल्कुल पवित्र रखना है, भाई भाई की दृष्टि। आप समझिए, बाबा जो बताएं कि आत्मिक रूप से हम सभी आत्माएं आपस में हैं, भाई भाई नारा भी लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो भाई भाई किस रूप से हैं? आत्मिक रूप से हैं। आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा है। और शरीर के रूप से जब हम सभी ये ज्ञान लेते हैं, राजू की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन के द्वारा भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तो प्रजापिता हमारे पिता भी हैं। तो पिता हम सभी आपस में सब क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो भाई बहन इतनी पवित्र दृष्टि बनाना, यही हमें पुरुषार्थ करना है। इसी पुरुषार्थ के आधार से सतयुग में हम सभी बच्चों को ऊंचा पद मिलेगा, क्योंकि देवी देवताओं को संस्कार, जो बोल विचार संस्कार व्यवहार बिल्कुल पवित्र होता है। तो अभी से ये हमें पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा में पूरा पूरा संस्कार भरना होगा। हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई भाई हैं, फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं, क्योंकि सब एडेप्टेड बच्चे हैं। बुरी दृष्टि कभी भी जा ना सके, या पक्का पक्का समझो हम आत्मा हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ रहे हैं, बार बार यही पक्का सुनते बाबा क्यों करा नहीं रहे हैं कि करते? सुनते कहा आत्मा है मैं समझना है, तो आत्मा समझना है। जिनका आवाज जा रहा है, आ रहा है, उनको प्लीज ऑफ करें, अच्छा रहेगा, है ना। बाबा कहते हैं यह ऑर्गेन्स हैं, हम आत्मा इनसे अलग हैं, इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करता हूं, मैं कर्मेंद्रियां थोड़ी ही हूं। बाबा स्पष्ट बता रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर के द्वारा कर्म करती हूँ, मैं आत्मा आंखों से देखती हूँ। हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, आंखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, कान से सुनने वाले, आंखों से देखने वाले, मुख से बोलने वाले, एक चैतन्य शक्ति आत्मा। आत्मा जैसे ही निकल जाती है, ये शरीर बिल्कुल छूट जाता है, मुर्दा। तो बाबा स्पष्ट बता रहे हैं, बार बार हमें ये अटेंशन, ये राजू की पढ़ाई है, अरे राजू की पढ़ाई हमने अपने जीवन में धारण करना, बार बार अटेंशन दिलाना। कोई भी कार्य धंधा कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, आप लौकिक फील्ड में भी हैं, तो बार बार अटेंशन देखें। कोई भी घर परिवार में जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं, उनको भी अक्षता आत्मिक स्वरूप में देखने का अभ्यास करें। ये सभी आत्माएं सब परमपिता के बच्चे हैं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं, पवित्र आत्माएं हैं ये सब आत्माएं देवकुल की। ऐसे कुछ अच्छे विचार आप करते हैं, पॉजिटिव विचार करते हैं, तो सभी को एक अच्छे संकल्प, अच्छे वाइब्रेशन जाता है, और आपका जो स्थिति है सॉल कॉन्शियस का, ये बढ़ता चला जाएगा। अर्थात आपके द्वारा कोई भी विकर्म पापकर्म, जो आज बाबा मुरलीम सारा बता रहे हैं कि कर्मेंद्रियों के द्वारा कोई भी हमें धोखा, कोई भी कर्मेंद्रिया ना दे, जो बाबा आज स्पष्ट बताए कि आंखें धोखा देती है। मैं कर्मेंद्रिया थोड़ी ही हूँ, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूं ना, या शरीर लेकर के पाठ में बजाता हूँ, सो भी अलौकिक। परमात्मा पिता कहते हैं, सब बच्चों को समझा रहे हैं, यह शरीर लेकर के मैं पाठ बजाता हूँ, सो भी अलौकिक, और कोई भी मनुष्य यह पाठ नहीं बजाते हैं, तुम बजाते हो। बाबा कहते हैं मनुष्य जो अज्ञानता में, जो जिनके पास ये 7 डेज का कोर्स नहीं है, ज्ञान नहीं, समझ नहीं है, ब्रह्मा कुमारी से अभी तक अवगत नहीं हुए, या अवगत हुए लेकिन 7 डेज का कोर्स नहीं कर पाए हैं, तो बाबा स्पष्ट बताए कि या कोई मनुष्य में यह पाठ नहीं बजाते, तुम बच्चे ही बजाते हो जो परमात्मा पिता को पहचानते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझकर परमात्मा बाप को याद करो। शरीर का मात पिता लौकिक में, आत्मा का मात पिता परमात्मा, सब लोगों का स्पष्ट है। बाबा स्पष्ट बताए अपने को आत्मा समझ करके निराकार परमपिता शिव बाबा डिवाइन लाइट को याद करने का अभ्यास करना है। फिर वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। बाबा कहते हैं कि साकार बाप टीचर सदगुरु शिव बाबा कहते हैं, अलग अलग होते हैं ना। साकार बाबा कहते हैं कि बाप टीचर सदगुरु अलग अलग होते हैं। यह निराकारी एक ही बाप टीचर बाबा करे सदगुरु है, स्पष्ट है। यह निराकार बाप जो है, जो आत्मा का पिता, ज्योति स्वरूप है परमात्मा, हम सभी आत्माओं का परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है। यहाँ बच्चों को
अब नई शिक्षा मिल रही है, बाबा कहते हैं ये बिल्कुल नई शिक्षा हम सभी आत्माओं में। बाप टीचर गुरु तीनों निराकारी हैं, तीनों ही निराकार है, तीनों ही, तीनों बाबा कहते तीनों संबंध एक में ही है। और तीनों ही नहीं कहेंगे, वो माता भी कहेंगे, पिता भी कहेंगे, बंधु भी कहेंगे, सखा भी कहेंगे, सब कुछ है परमात्मा से मेरा रिश्ता। हम सभी आज तक ये गाते आए, तो माता पिता हम बालक तेरे तेरे कृपा से सुख बने रहे, या एक और गाते तुम ही हो माता पिता बंधु सखा दोस्त सब कुछ तुम ही हो। तो परमात्मा पिता से मेरा सर्व रिश्ता है। हम उनसे जितने अच्छी रीति से अपनी सारे रिश्ता को, जब हम सोल कॉन्शियस में होते, जब हम राजू का अभ्यास करते हैं, जब मेडिटेशन करते, बहुत प्यार से अपने पिता आत्मा का पिता परमात्मा शिव बाबा से बातें करेंगे, तो वो दिव्य अनुभूति परमात्मा आपको कराएंगे। लेकिन जब आप अपने लिए जब समय निकालेंगे, जब तक आप समय नहीं निकालेंगे, राजयुग का अभ्यास नहीं करेंगे, और सबसे मुख्य समय जो है वो है ब्रह्म मुहूर्त का समय, अमृत वेला का समय। अमृत वेला कम से कम सभी को 4 बजे उठना ही चाहिए। उसी समय परमात्मा पिता आकर के इतना सत्य ज्ञान दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। उस समय हम सभी बच्चों को वरदान बांटते हैं, शक्ति बांटते हैं। तो निश्चित रूप से हमें उस अमृत वेले पर पूरा पूरा फुल अटेंशन देना होगा, तभी बाबा से आप शक्ति वरदान ले सकते हैं। बाबा कहते हैं बाप टीचर गुरु तीनों ही निराकार हैं, हम भी निराकार आत्मा पढ़ती हैं, तब तो समझा जाए ना आत्मा परमात्मा अलग। बाबा कहते हैं हम आत्मा पढ़ती हैं, हम भी निराकार आत्मा पढ़ती हैं, तब तो समझा जाए ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आगे का लाइन क्या है, आत्मा ये संसार में भी गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो सदगुरु परम सदगुरु का दलाल अर्थात बीच में जो मेडिटर होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको जो मीडिया बनते हैं उनको कुछ ना कुछ जो है माध्यम बनते हैं उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, और उनके द्वारा ही हमें उस डायरेक्ट व्यक्ति से मिलना होता है, कुछ भी चीजें आप लेते हैं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो सदगुरु दलाली अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा जो बीच में मीडिया बन करके मेडिटर बन करके परमात्मा के ज्ञान से हम सभी बच्चों को अवगत कराए, भगवान उनके रथ का आधार लिए, उनके तन के द्वारा निराकार भगवान हम सभी बच्चों को आत्मा अपने पिता परमात्मा से मिलने का सत्य ज्ञान प्राप्त करती हैं, और अनुभूति करने का सारा ज्ञान हम लोग को प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही मिला। और ये 1936-37 से स्टार्ट हुआ, जो कल का भी कोर्स में आप देखे है ना कि 1937 से ये यज्ञ स्थापना हुआ, ईश्वरीय विश्वविद्यालय नई दुनिया शक्ति की स्थापना का कार्य अर्थात राज्य के पढ़ाई परमपिता परमात्मा पढ़ाना स्टार्ट किए 1936-37 से, और आज तक पिछले 84 ईयर से कहेंगे परमात्मा 84 वर्षों से ये राज्य की पढ़ाई दे रहे हैं। अब हम सभी अंतिम चरण में पहुंचे हैं, अब बहुत जल्द नई दुनिया शक्ति का शुभारंभ होगा, और बहुत कम समय, ये मात्र 100 वर्ष के लिए संगम युग को ही रचा जाता है, मात्र 100 वर्ष, जिसमें से 84 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखेंगे मात्र 16 वर्ष के अंदर में, 16 वर्ष तो खैर बहुत लंबा समय है, आप 6 वर्ष की बात करें तो खंड खंड करके पार्ट वाइज करके पूरी संसार का इतना तीव्र गति से डिस्ट्रक्शन होना है, जो आप और हम अभी वर्तमान समय देख भी रहे हैं, और आने वाला समय बहुत ही भयावह होगा। उसके लिए केवल एक ही बल चाहिए, ना ही आपका उस समय धन बल काम आएगा, ना ही बुद्धि बल काम आएगा, ना ही आपका विवेक बल काम आएगा, केवल एक ही बल काम आएगा, वो है पुण्य कर्मों का बल, और ये योग का बल, पवित्रता का बल, स्पिरिचुअल पावर, जो आप में जितना अभी से वो पावर अपने जीवन में जमा करेंगी वही चीजें आपको अंत में काम आएगा, और अपने मन को आप समझा सकते हैं, अपने आप को संभाल पाएंगे। और नहीं तो उस परिस्थिति में आज कहते कुछ भी होता है तो अचानक लोग घाट चले जाते हैं। इसलिए बहुत सुंदर तरीके से समझना, अभी जो हम सभी आत्माओं को परमात्मा का सत्य ज्ञान मिला, जो परमात्मा पिता से मिलाने का जो माध्यम बने हैं वो है हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उनके द्वारा हम सभी बच्चों को ज्ञान मिला। तो बाबा कहते मिलना यहाँ ही होता है, जबकि बाप को आकर के पावन बनाना होता है। कहाँ मिलना होता है, यही संगम युग में, कलयुग के अंतिम समय में भगवान आते हैं। मूल वतन में आत्माएं जाकर के मिलेंगी, वहां तो कोई खेल नहीं है, परमधाम जिसको मूल वतन कहते हैं, परमधाम में जाकर सब आत्मा परमात्मा का रहने का घर है, वहां पे जाकर के मिलती है, अपना घर परमधाम है, वहां सब आत्माएं रहती हैं, अंत में सब आत्माएं वहां चली जाएंगी। बाबा कहते हैं लास्ट घड़ी में सब आत्माएं वहां उस परमधाम में चली जाएंगी, क्योंकि हर आत्माएं जो कहते ऊपर से आए ऊपर जाना, तो निश्चित रूप से हम सभी को ऊपर अर्थात सभी आत्माओं को अब उस परमधाम जाने का समय आ चुका है। तो निश्चित रूप से अभी हम सभी को बहुत अच्छे तरीके से राजयुग की पढ़ाई पढ़ना चाहिए और पुरुषार्थ करना चाहिए आत्मा के लिए। विशेष आत्माएं जो पाठ बजाने के लिए आती हैं वह बीच से वापस नहीं जा सकती। जो आत्मा एक बार परमधाम से उतर जाती है 5000 वर्ष के बाद ही
ऊपर जाना होता है एक साथ। जब परमात्मा आएंगे तभी सभी आत्माओं को ले जाते हैं। इसलिए एक नाम परमपिता शिव बाबा का क्या महाकाल, कालों का भी काल महाकाल। काल आते कहते दो चार आत्माओं को ले जाते हैं, और महाकाल जब इस सृष्टि पर आते हैं महाकाल शिव बाबा का। और अभी सावन का महीना भी चढ़ रहा है, और शिव भोलेनाथ का महिमा कहते हैं कि सावन का महीना है, और उनकी बहुत सारी महिमा है। तो भगवान शिव बाबा का एक नाम महाकाल भी है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में भी बना हुआ, बहुत प्रख्यात है। तो आप और हम सभी जानेंगे कि बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाने के लिए आता हूँ, और सभी आत्माएं तभी जाती हैं जब सब आत्माएं आ जाती हैं। तो हम सभी इस कलयुग के अंतिम समय से गुजर रहे हैं। अब बहुत कम समय में, अभी आप देखिए कितनी सारी होलसेल में सभी आत्माओं को मौत हो रहा वायरस के द्वारा। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन का संकेत है, जो हम सभी को बहुत अच्छी रीति से समझना चाहिए और सत्य ज्ञान से अवगत होना चाहिए। भगवान गुप्त वेश में, गायन भी है कि भगवान गुप्त वेश में आकर के है ना सतयुग रच रहे हैं, या कहीं कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं जो हम सभी को मालूम नहीं। लेकिन आप सभी और हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, सतयुग रचते हैं, जन्म जन्म का भाग्य देते हैं, और हम सभी उनके सत्य ज्ञान से अवगत हो गए। ये हम सभी का बहुत बड़ा परम सौभाग्य है। बाबा कहते हैं कि जब तक ये अंत समय पाठ बजा पुनर्जन्म लेते रहते हैं ना, पुनर्जन्म लेते रहना है ताकि सब आ जाए। शिव बाबा कहते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप सब बातें तो ठीक समझाते हैं ना, ज्ञान मार्ग है ही सत्य मार्ग। ये ज्ञान मार्ग ही केवल सत्य मार्ग है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, बताइए ये सत्य मार्ग है। तो ये सत्य मार्ग कौन बताए हैं? जो सत्य मार्ग है अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम ही बता सकते सत्य मार्ग। इसलिए केवल एक महिमा ये जो है सत्यम शिवम सुंदरम, ये शिव बाबा का ही महिमा में आता है। सत्यम कृष्णम सुंदरम नहीं कहते, सत्यम राम सुंदरम नहीं कहते हैं। ये महिमा केवल शिव के लिए ही आता है, क्योंकि सत्य ही कहते सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य केवल शिव है और शिव ही सुंदर है। सुंदर अर्थात ज्ञान गुणों और शक्तियों में सुंदर है वो। तो परमात्मा पिता आकर बता रहे हैं सत्य जो परमात्मा शिव है, वही हम सभी बच्चों को सत्य मार्ग बता रहे हैं। और ये मार्ग पर चलने वाले ही सत्य नारायण सत्य लक्ष्मी अर्थात सत्य देवी देवता ही बनते हैं। सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। बहुत यूनिक बात बाबा बताए, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वेद सात उपनिषद साधु संन्यासी जो सुना रहे हैं आज वर्तमान समय आप देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सारे लोग शास्त्रों की बातें वेदों की बातें है ना सुना रहे हैं, और वो मनुष्यों मत के द्वारा लिखा गया है ना, कोई परमात्मा का वाणी नहीं है उसमें, ईश्वर का वाणी नहीं है। तो बाबा कहते हैं सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। इस संगम युग पर ही पुरुषार्थी बनने के लिए या एक ही सत्य का संग है, बाबा कहते हैं। कल भी कोर्स में सुन रहे थे सत्संग नंबर वन, सत्य जोड़ संग, सत्य के लिए एक गॉड है, गॉड इज ट्रू कहते हैं, उनका ही संग वास्तव में सत्संग हुआ। तो जो हम अभी ये ज्ञान मुरली सुन रहे हैं, हम लोग परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं, तो ये हुआ सत्य का संग। हम परमात्मा का संग कर रहे हैं, उनकी वाणी सुन रहे हैं, अपने जीवन में धारणा कर रहे हैं। बाबा कहते एक ही सत्संग है। अब बाप आते ही बच्चों से मिलते हैं, तब उनको ही सत्संग कहा जाता है ना। जब परमात्मा बाप आते बच्चों से मिलते तो उसको सच्चा सच्चा सत्य का संग कहेंगे, बाकी सब है कुसंग। बाबा कहते हैं संसार में जितने भी लोगों का आप संग करते हैं, बाबा कहते हैं कुसंग मतलब संसार में कुसंग कहेंगे। गाय भी जाता है संग का, सत्य का संग तारे कुसंग बोरे। अर्थात आप सभी हम लोग जानते हैं सुने भी हैं कि एक अच्छे संग मिलेगा तो आपको तार देगा और कुसंग आपको डुबो देगा। बाबा कहते हैं सबसे नंबर वन बाबा कहते कुसंग है। बाबा कहते कुसंग है ही रावण का। रावण अर्थात आप कोर्स में भी देख चुके नए भाई बहन लोग कि पांच विकार स्त्री में, पांच विकार पुरुष में, इसी को हम कहते हैं दस सर वाला रावण को जलाते हैं। वास्तव में हमारे जीवन का ये रावण है, और इस रावण को हम सभी बच्चों को निश्चित रूप से भी अभी जलाने का पुरुषार्थ करना है। अगर ये पांच विकारों को अगर हम नहीं जीतेंगे तो हमें आने वाली स्वर्णिम सृष्टि में देव पद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। करेंगे भी तो बहुत कम पद मिलेगा, लेकिन जो संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त करते हैं उनको बहुत अच्छी रीति से और बहुत अच्छा पद परमात्मा पिता देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो तुमको पार ले जाता हूँ, फिर तुमको डुबाता कौन है? मैं तो तुमको पार ले जाता हूँ, फिर तुमको डुबाता कौन है? तमो प्रधान कैसे बन जाते हो तुम, यह भी बताना पड़ता है ना। सामने दुश्मन माया है, बाबा कहते हैं पांच विकार को ही माया कहा जाता है। माया को स्त्री व धन को नहीं कहेंगे, परमात्मा सत्य ज्ञान आकर के दिए। लेकिन आज तक शास्त्रों में साधु संतों से हम लोग सुन रखे हैं कि माया जो है कहेंगे हम स्त्री को कहेंगे या धन दौलत आदि को कह देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, 100% रॉन्ग है। माया हमारे अंदर की परमात्मा कहते पांच विकार है, यही इस माया को जीतना है ना।
तो बाबा कहते हैं आकर के हम सभी बच्चों को ज्ञान देते हैं कि ये माया रावण तुम बच्चों को जो है गिराती है, अभी कुसंग है ही। 1 मिनट। बाबा कहते हैं कि कुसंग जो है, गाय भी जाता संग का तारे कुसंग बोरे, फिर तुमको डुबोता कौन है तमो प्रधान। बाबा कहते हैं तमो प्रधान कैसे बन जाते हो यह भी बताना पड़ता है, सामने माया दुश्मन तुम्हारा खड़ा, सबसे बड़ा दुश्मन रावण है बस, और कुछ भी नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से कल भी आप लोगों का कोर्स में हुआ, आप जानकारी लिए कि रावण को क्यों जलाते हैं हम लोग, क्योंकि यही सबसे बड़ा दुश्मन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही दुश्मन हमें दुख देता है। और जब ये दुख देता है तो निश्चित रूप से दुख देने वालों को हम देखना नहीं चाहते, दुख देने वालों से हम बात नहीं करना चाहते हैं। ये रावण हमें बहुत दुख देता है, 5 विकार, इसलिए इस रावण का पुतला बना करके हम लोग द्वापर युग से जलाते आए हैं, जो आप कोर्स में भी देखे है ना, समझे। बाबा कहते हैं यह रावण कौन है, कब आता है, क्यों जलाते हैं। बाबा करे ब्लाइंड फेथ है, ईश्वर आकर के, परमात्मा आकर के हम सभी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, ये ब्लाइंड फेथ है, क्योंकि हम अंधविश्वास में आकर के इसको हम करते आ रहे, लेकिन परिचय नहीं। तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है, तुम बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो सत्य ज्ञान को समझ लेते, किसी भी आत्मा को हम बहुत अथॉरिटी के साथ समझा सकते हैं, जैसे वह शास्त्र अथॉरिटी से सुनाते हैं, जैसे साधु संन्यासी ऋषि मुनि जो भी होते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी वेद शास्त्र आदि पढ़ लेते हैं और वो बहुत अथॉरिटी सुनाते हैं, गीता में ये, रामायण में ये, महाभारत में ये, कुरान में ये है आदि आदि। बाबा कहते तुम बच्चों जो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास सत्य ज्ञान का अथॉरिटी है, बहुत अथॉरिटी के साथ सुना सकते हो तुम, सुनने वाले भी बड़े मस्त होते हैं, पैसे देते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं सुनने वाले कई ऐसे होते हैं स्पिरिचुअल लोग जो सुनते हैं, संस्कृत सिखाओ कहते हैं, गीता सिखाओ, इसके लिए भी बहुत पैसे आदि देते रहते हैं। संसार में जो भी होता है बाप समझाते हैं बहुत अच्छे, बाबा कहते हैं जैसे कोई बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होते हैं उन लोगों के लिए कहते हैं, वो पैसे भी देते कि हमें गीता सुनाओ, सब संस्कृत सिखाओ आदि आदि। अब बाबा समझा रहे हैं परमात्मा आकर के ज्ञान, वो तो भक्ति मार्ग है, परमात्मा क्या बता रहे हैं, ये ज्ञान मार्ग है, यहाँ पर कोई कर्मकांड नहीं, ज्ञान मार्ग में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वोदय में कोई कर्मकांड नहीं है, आपको केवल सत्य ज्ञान से हम सभी अवगत कराते हैं, बाकी करना ना करना सब कुछ आपके ऊपर होता है, जो करेंगे वो पाएंगे। बाकी बाबा कहते हैं बाप समझाते बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो, कब से हम लोग करते आए वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी, द्वापर युग से। तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो, यहाँ का फूल होगा तो जरूर आएगा। बाबा कहते हैं यहाँ का अर्थात ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां पर भी सेंटर से पूरी दुनिया में ब्रह्मा कुमार, बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसका, वहां पर जो भी भाई बहन लोग देवकुल की आत्माएं होंगी वो निश्चित रूप से एक ज्ञान में आती चली जाएंगे। इस ज्ञान को सब लोग समझ भी नहीं पाएंगे और इस ज्ञान है ना सबका बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। आपके फैमिली मेंबर में आप देख लीजिए, आपको ये सत्य ज्ञान समझ में आ रहा है, लेकिन आपके परिवार में 4 मेंबर हैं, आपके मदर है, फादर या सिस्टर ब्रदर कोई भी है, उसमें से कोई ना कोई ज्ञान में नहीं होते, उनको समझ में नहीं आता, आपको इतना अच्छा समझ में आ रहा है उनको नहीं समझ में आ रहा, क्यों? क्योंकि परमात्मा कहते हैं जो देवगुण के आत्मे होंगे उनको ही ये ज्ञान समझ में आएगा, इसलिए आप उनके प्रति शुभ भावना रखें, योग का वाइब्रेशन दें कि परम पिता आकर के भाग्य बांट रहे हैं, थोड़ा सा समय बचा हुआ मात्र भाग्य बनाने का वेला है ना, हमें अच्छे कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है, सब बाबा हम लोग को सिखाते रहते हैं मुरली में, तो हम लोग ध्यान से सुनेंगे। बाबा आगे बता रहे थे कि तुम प्रदर्शनी आदि कर तो यहाँ पर भी फूल होगा तो जरूर आएगा, या झाड़ बढ़ता जाता है, बाप ने बीज लगाया है, या एक ब्रह्मा, बाबा कहते हैं या एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होते, एक ब्रह्मा के द्वारा सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा लगा झाड़, और आज इतने सारे ब्राह्मण कुल एक से बाबा करे कितने बढ़ते चले गए। पहले घर, पहले बाबा करे पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी आपस वाले आने लगे, सुने, धीरे 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 उस समय सब बढ़ा जब ब्रह्मा बाबा थे, जब ये यज्ञ की स्थापना हुआ, कभी फ्री टाइम में कोई भी निमित्त भाई बहनों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो आपको यज्ञ का हिस्ट्री सुनाएंगे कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे यज्ञ कैसे स्टार्टिंग में हुआ और किस प्रकार धीरे 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 बढ़ा और इतने सारे आज यज्ञ परमात्मा पिता का ये यज्ञ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान महायज्ञ, कल भी आप सुने थे कोर्स में, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान महायज्ञ ये परम पिता का चल रहा है जो पूरी दुनिया में रचा गया है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय को एक तरह से परमात्मा कहते हैं, ये महायज्ञ है जो 100 वर्षों के लिए रखा जाता है, जिसमें हर आत्मा अपने मन इच्छित फल की प्राप्ति राज्य की पढ़ाई से कर सकती है, कर रही है। बाबा बोले कि सुनते सुनते एक से पढ़ते आए हैं ना घर वाले, मित्र संबंधी आपस में आने लगे, फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं, समझते हैं या भी सत्संग है,
समझते यह भी सत्संग है, परंतु इसमें पवित्रता की मेहनत है जिससे ही हंगामा हुआ। बाबा कहते हैं सबसे मुख्य इसमें पुरुषार्थ है, बाबा कहते हैं पवित्रता की। पवित्रता की बात आती है कि परमात्मा सबको पवित्र बना रहे हैं, उनकी श्रीमत पर हमें पवित्र बनना चाहिए, खान पान रहन सहन हर प्रकार के हमें प्यूरिटी जो है फिजिकल चाहे मेंटल प्यूरिटी को मेंटेन करनी चाहिए। तो कुछ आत्माएं जब इस चीज़ों को स्वीकार नहीं करती हैं, है ना, तो वो आत्माएं जरूर निश्चित रूप से हंगामा करेंगे। आपके फैमिली मेंबर में भी ऐसे होंगे जो उनको नॉनवेज ही अच्छा लगता है, उनको वेजिटेरियन बोलेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा कहते हैं हर प्रकार की पवित्रता से विघ्न डालते हैं, हंगामा करते हैं। अभी भी ऐसे भी संसार में देख लीजिए, जो भी दो आत्माएं हैं तो सबका संस्कार अलग अलग है, किसी को अच्छा लगता है मीठा, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को नॉनवेज अच्छा लगता है, किसी को वेज अच्छा लगता है, हर आत्मा का संस्कार। तो गीता में भी वर्णन है कि दैवी प्रवृत्ति वाले मनुष्य और आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य, ये निश्चित रूप से अलग अलग प्रवृत्ति वाले। तो जो दैवी प्रवृत्ति वाले मनुष्य होंगे उसको सारे अच्छे गुण समझ में आएगा, अच्छे संस्कार समझ में आएगा। आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को अवगुण वाली सब बातें समझ में आता है, वो अवगुण में ही रहना, बुराई में ही रहना वो पसंद करती हैं, क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति वाली आत्मा है। तो हम सभी जो भगवान के बच्चे ज्ञान सुन रहे हैं समझ रहे हैं, तो हम सभी बच्चों को बहुत सुंदर तरीके से अपने अंदर में दैवी गुण को धारण करना। तो सबसे इस राज्य की पढ़ाई में सबसे अच्छा धारणा या सबसे आगे वही जा सकते हैं जो जितना ज्यादा पवित्रता की धारणा करते हैं उतना अच्छी रीति बाबा कहते हैं आगे जाएंगे। अभी भी बाबा कहते अभी भी होते रहते हैं, इसलिए गालियां देते रहते हैं, कहते हैं भगाते थे, पाटरानी आदि बनाते थे, पाटरानी तो स्वर्ग में बनेंगे ना, जरूर यहाँ पवित्र बनाया जाता है। ये जो गायन है शास्त्रों में जो कि पाटरानियां भगाया, कृष्ण जी भगाया, सभी गोप गोपियों को पाटरानी बनाए आदि आदि, एक शास्त्रों में यादगार कहानी है। ये वास्तव में जब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं 1936-37 में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके सत्य ज्ञान देते हैं, तो हजारों आत्माएं है ना, सैकड़ों आत्माएं उस समय भाग करके भगवान का ज्ञान सुनने के लिए आती हैं, और उन बच्चों को आने वाले स्वर्णिम सृष्टि में महाराजा महारानी बनाने के लिए पाटरानी शिव बाबा बनाते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं। अब परमात्मा तो है ही परम पवित्र, जरूर यहाँ पवित्र बनाया होगा ना, तुम सबको सुनाते हो। यह महारानी महाराजा महारानी बनने के लिए नॉलेज है ना, नरसिंह नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती नहीं कह सकते हैं, भगवान एक ही है। कोर्स में आप जाने सबका मालिक एक ऑलमाइटी गॉड ईश्वर भगवान अल्लाह खुदा एक ही है भगवान। ये 2, 4, 10, 20, 50 भगवान नहीं होते, सबका मालिक एक है निराकार भगवान परमपिता शिव परमात्मा। तो परमपिता शिव परमात्मा कहते एक ही है, बाकी हमारे सनातन धर्म में हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है जो शरीरधारी है। बाबा कहते हैं लेकिन जिनका शरीर नहीं वो है निराकार 12 ज्योतिर्लिंगम जिसको हम लोग पूजा करते हैं, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा है। परंतु पुजारी लोग नरसिंह नारायण लोग कहते हैं, बाबा कहते हैं परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते हैं जितना कृष्ण के चित्र को मानते हैं। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं, कृष्ण का इतना मान क्यों है? क्योंकि छोटा बच्चा है, बाबा कहते हैं छोटा बच्चा है, महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं, क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि सब बना करके फिर छोड़ते हैं, कोई बाल ब्रह्मचारी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध क्या होते हैं, छोटे बच्चे तो पता नहीं रहता है, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। जो पवित्र होते हैं उनको बहुत कशिश, बाबा छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसलिए कृष्ण को जास्ती मान देते हैं, कृष्ण को देखकर खुश होते हैं, भारत का लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। ऐसे भी हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, नॉट गॉड। गॉड एक ही सुप्रीम पावर है, डिवाइन लाइट, उसको ही हम गॉड कहेंगे, परमात्मा कहेंगे। बाबा कहते हैं सतो प्रधान शिव बाबा बताए कृष्ण को कशिश होती है, क्योंकि सतो प्रधान है, छोटा बच्चा कितना सभी को खींचता, क्योंकि बहुत पवित्र आत्मा है, बहुत प्यारा लगता है वो, क्योंकि पवित्रता उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, ना काम ना क्रोध ना लोभ, कोई भी प्रकार का देवभान नहीं है उसके अंदर में, इसलिए उतना प्यारा लगता है। जब हम सभी भी पुरुषार्थ करके इतना सतो प्रधान बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर में वो सारे दैवी गुण आएंगे। बाप कहते हैं कहते रहते जितना याद में रहेंगे उतना बाबा कहते तमो प्रधान से तुम सतो प्रधान बन गए। आत्मा बुरे कर्म पाप कर्म करते करते बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन गई है, और अभी फिर पुण्य आत्मा बनना है ना, पवित्र आत्मा बनना है, खुशी भी होगी। पहले तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी में थे, फिर कला कम होती गई, तुम जितना याद करते रहेंगे बाबा कहते सुख भी उतना फील होगा तुम्हें। बाबा को परमात्मा पिता जितना याद करेंगे उतना सुख फील होता रहेगा, तुम ट्रांसफर होते जाएंगे, तमो प्रधान से सतो में आते जाएंगे, खुशी धारणा बढ़ती जाएगी। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है, सिख लोग गाते भी हैं तेरे भाने सर्व का भला, है ना, कहते भी हैं।
तो शिव बाबा बोला, तुम बच्चे जब राजू की पढ़ाई करते हो, सर्व गुणों से संपन्न बनते हो, तो सारे संसार का कल्याण हो जाता है, भला हो जाता है। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है, याद से ही जितना याद करेंगे उतना ऊंची, बाबा कह रहे हैं उतना, बाबा कहते हैं उच्च चढ़ती कला होगी, संपूर्ण बनना है ना। चंद्रमा भी की लकीर यह जाती है, बाबा कहते रह जाती है, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाते हैं। तुम्हारा भी ऐसे है, चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, तुम फट से पांच विकारों का दान नहीं दे सकते। एक इम्पॉर्टेंट बात क्या हम लोगों को समझना है, हम जब ज्ञान में आते राज्यों की पढ़ाई करते हैं तो कभी भी ये नहीं समझिए कि हम जैसे आएंगे तो हमारा पांच विकार ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आपका जीवन है तब तक आपको ये पांच विकार को छोड़ने का पुरुषार्थ करते ही रहना होगा, और धीरे धीरे ही इस विकारों को हम जीत सकते हैं, और ये केवल राज्य के द्वारा ही परमात्मा पिता का वो पावर, वो शक्ति आएगा जो हम पांच विकार को कंट्रोल कर लेंगे। मेडिटेशन पावर परमात्मा का, राज्य के पावर से ही। तुम फट से पांच विकारों का दान दे नहीं सकते हो, आंखें भी इतना धोखा, कितना धोखा देती रहती है, समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है हम, जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए ना। फिर अगर दिल होती है इनको हाथ लगाएं तो वह भी बाबा करे ब्रदरली, बाबा कहते लव निकल करके स्त्री पने का क्रिमिनल लव हो जाता है, कोई को दिल अंदर खाता है, हम बाप के बच्चे बने हैं तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि, बाबा कहते बुरी दृष्टि से हाथ नहीं लगा सकते हैं। फिर कहते बाबा हमको हाथ लगाते हैं, संपूर्ण पवित्रता शिव बाबा कहते इस ज्ञान और राज्य की पढ़ाई में मन मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, और बाबा कहते ये पवित्रता की धारणा कोई भी शरीरधारी, जैसा बाबा भी बता रहे थे बहनों माताओं के लिए बहुत पवित्र दृष्टि, इस पवित्र दृष्टि को बनाने के लिए हमें बहुत बहुत पुरुषार्थ करना होगा। आप और हम सभी जानते हैं सभी लोग कि रामकृष्ण परमहंस इस पवित्रता की धारणा के लिए अपनी स्त्री को माँ के रूप में वो देखते थे, तभी उनको दर्शन काली जी का हुआ था, और इतना पवित्र उस जमाना में बहुत फेमस सन्यासी हुए थे, क्योंकि पवित्रता की धारणा करने के लिए कहीं ना कहीं जानते हैं कि स्त्री को या बहन को जब तक हम पवित्र दृष्टि से नहीं देखेंगे, अपनी बहन अपनी माँ के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक हमारे जीवन में पवित्रता कभी आ ही नहीं सकता है। तो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां या जो भी भाई बहन लोग है ना, जो भी हैं सभी के, जो भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, यहाँ परमात्मा पिता का श्रीमत है, डायरेक्शन है कि हमें बहुत बहुत सबसे मुख्य सब्जेक्ट है ही पवित्रता के, तो हमें पवित्रता के ऊपर में पूरा फुल अटेंशन देना है। हमें सभी माताओं और बहनों के लिए है ना पवित्र दृष्टि ही बनाने का पुरुषार्थ करना है, और रखना रहे हमें प्रैक्टिकल जीवन में उतारना भी है। तो ये बाबा आज हम सभी बच्चों को सुप्रीम गॉड बता रहे हैं, और जो आत्मा इतना पवित्र बनने का पुरुषार्थ करेंगी वही आत्मा विनाश काल में बचेंगे, बाकी जो अपवित्रता में रहेंगे वो निश्चित रूप से विनाश काल में चले जाएंगे। क्योंकि भगवान का वाणी, जो पवित्र आत्मा अगर जहां बैठे रहेंगे मेडिटेशन कर रहेंगे उनके 3 फीट आगे तक विनाश आएगा, अर्थक्वेक होगा, फ्लड आएगा, लेकिन उस पवित्र आत्मा को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अपने जीवन को संपूर्ण पवित्र बनाए परमात्मा के श्रीमत पर। तो ये जो धारणा है नंबर 1 धारणा है, और यही धारणा पवित्रता की ही धारणा, जो हमारा फिजिकल प्यूरिटी अगर हम इसको मेंटेन करते हैं तो आने वाला विषम परिस्थिति में हम बहुत बहुत सेफ रहेंगे, और आपके द्वारा और लोग सेफ रहेंगे। तो आप सभी से विशेष रिक्वेस्ट रहेगा कि इसके ऊपर विशेष पुरुषार्थ सभी करें, और हम सभी बाबा कहते हैं शिव बाबा के श्रीमत पर जरूर चले, भगवान का इतना अच्छा वाणी हम सभी के लिए आया है। बाबा कहते हैं, फिर कहते हैं बाबा हमको या ये है अच्छे नहीं लगता है बाबा, फिर हम सभी बच्चों को बता रहे हैं शिव बाबा बोले इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी, भल मुरली बहुत अच्छी रीति सुनाते, बहुतों को समझाते, परंतु अच्छा अवस्था अच्छी नहीं है, बुरी दृष्टि हो जाती है, इतनी गंदी दुनिया है, पूरी दुनिया ही गंदी। बाबा कहते हैं बच्चे समझते जहां देखे वहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच विकार, बच्चे समझते मंजिल बहुत ऊंची है। कई बच्चे पुरुषार्थ करते बोले नहीं हो पाएगा हम लोग से इतना, ये बहुत ऊंची पुरुषार्थ है, कई लोग डर से भी छोड़ दे, अरे हम लगे रहेंगे पुरुषार्थ करेंगे, अगर हम लाइन पर रहेंगे तो आज नहीं कल मंजिल पर पहुंचेंगे, लेकिन कहते कि जब खिलाड़ी फील्ड में ही नहीं आएगा तो वह हार गया कि जीत गया कैसे समझ में आएगा। ऐसे जब हम लोग परमात्मा के ज्ञान और राज्य की पढ़ाई में लगातार लगे रहेंगे तो हमें फील भी होगा कि हमें ये पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें ये पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें ये चीज छोड़ना चाहिए, हमें ये चीज अच्छे चीज गुणों को धारण करना। लेकिन जब हम ज्ञान ही छोड़ देंगे, ज्ञान ही सुनना छोड़ देंगे तो आपको, तो बाबा कहते लास्ट में कहते और अधम से अधम पाप कर्म करने लग जाएंगे जब ज्ञान और राज्य की पढ़ाई से हम बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा कर समझाए, भल मुरली बहुत अच्छी सुना दे अवस्था, बाबा करे फर्स्ट क्लास, बुरी दृष्टि हो जाती है, इतनी गंदी दुनिया है, बच्चे समझते बहुत ऊंची मंजिल, बाप कहते बच्चे
बाप की याद में सेंसिबल हो रहना है, सदा अलर्ट होकर रहना है ना। बाबा कहते हैं सेंसिबल होकर के रहना है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, हमारा रूहानी कनेक्शन बाबा से है, ब्लड कनेक्शन नहीं है, जितने भी बीके सब हमारा आत्मिक कनेक्शन है ना। बहुत पवित्र दृष्टि वृत्ति कृति रखनी है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। यूं तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग में भी ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु शरीर योग बल से मिलता है। आप सबसे मुख्य चैप्टर शायद इस कोर्स में इस बात के ऊपर में फोकस शायद नहीं हुआ था, योग बल से सभी देवी देवताओं का जन्म जो है सतयुग में होता है। नेक्स्ट टाइम में कभी और विशेष जानकारी हम लोग लेंगे। सतयुग और त्रेता युग, ये दो युगों में योग बल की सृष्टि चलती है, और द्वापर कलयुग में दो युगों में भोग बल की सृष्टि चलती है, जब आत्मा में पावर एक्टिविटी का पावर नहीं होता तब। लेकिन दो युगों तक बाबा कहते देवी देवता आप और हम सभी जानते हैं कि देवी देवताओं का जन्म जो होता है, कहते कान से जन्म हो गया इसलिए कर नाम लग गया, पवन से जन्म हुआ उसको पवन पुत्र हनुमान कह दिया, सभी देवी देवताओं का जन्म कहते प्रकृति पांचों तत्व से होता है, किसी का धरती से जन्म हुआ दिया। ये वास्तव में देवी देवताओं का जन्म इसलिए दिखाया गया ये शास्त्रों में क्योंकि देवी देवताओं का जन्म बिल्कुल दिव्य होता पवित्र होता है, काम विकार से बाबा कहते नहीं होता है। तो परमात्मा पिता हम सभी बच्चों को आकर के इतना सत्य ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि इतना बाबा कहते हैं सतयुग में यूं तो ब्लड से सब पैदा, कहते यूं तो ब्लड से पैदा वहां पर होते हैं, सतयुग में ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु वह शरीर योग बल से चलता है। कहेंगे विकार बिगार बच्चे कैसे जन्म लेंगे सतयुग में, बाप कहते हैं वह है ही निर्विकारी दुनिया। सतयुग को क्या कहेंगे, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहेंगे, पवित्र दुनिया कहेंगे, वहां कभी भी विकार होता ही नहीं, मतलब बाबा कहते काम विकार होता ही नहीं वहां। वहां अगर बाबा कहते नंगन हो तो वहां पर भी रावण राज्य हो जाए, अगर वहां पर भी बाबा करे काम विकार हो तो वहां पर भी रावण का राज हो जाए। ये है रावण राज्य, द्वापर कलयुग रावण राज्य, और सतयुग त्रेता को राम राज्य कहेंगे। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि फिर यहां और वहां में फर्क क्या रहा, कलयुग और सतयुग में क्या फर्क रहेगा, नरक और स्वर्ग में क्या फर्क रहेगा। तो सबसे बड़ा फर्क है पवित्रता का, कि यहाँ पे पवित्र बच्चे सतयुग में योग बल से बच्चे जन्म लेते हैं, जो परमात्मा के योग के पावर के द्वारा जो हम अभी भरते हैं संस्कार उसके द्वारा बाबा कहते हैं वहां पे बच्चे जन्म लेते हैं योग बल से, और ये द्वापर कलयुग में बाबा कहते हैं भोग बल से। इसलिए आत्मा नरक और स्वर्ग में क्या फर्क रहा, बाबा कहते हैं फिर यहाँ वहां रावण राज्य और राम राज्य में क्या फर्क रहेगा, बुरी दृष्टि मिट जाना, बाबा करे मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए बाबा कहते हैं कॉलेज में भी बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती है। बच्चों को समझना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं, तो आपस में भाई बहन हो गए। एक बात बाबा फिर से समझाएं, आजकल के जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भी हैं बच्चे बच्चियां पढ़ते सारे इम्प्योर अपवित्र दृष्टि बन जाती है, दैहिक दृष्टि रह जाती है। श्री बाबा कहते हैं बुरी दृष्टि क्यों रखते हैं, आपस में बाबा कहते हैं बच्चों को समझना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं, हम लोग को लिए भगवान ब्रह्मा कुमार कुमारी को जो उनका राज्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं उन बच्चों को परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं कि हम सभी बच्चे आपस में भाई बहन हैं, पवित्र दृष्टि वृत्ति कृति बनाना है। फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते हो, सब कहते हैं हम ईश्वर की संतान हैं, आत्माएं तो निराकारी संतान कहते हैं, आत्माएं तो हुई निराकारी संतान, फिर बाप रचते हैं तो जरूर सकारी ब्राह्मण रचेंगे। परमात्मा आकर के क्या रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा, ब्राह्मण और ब्राह्मणिया अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियां रचते हैं, और उसके द्वारा ये यज्ञ चलाते हैं परमात्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बाकी करण करावानार भगवान परमपिता श्री बाबा हैं, प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना, वह तो हो गई एडेप्शन, बाबा कह रहे एडेप्शन गोद के बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आता है कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची जाती है, ये मनुष्य को बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि भगवान प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया सतयुग कैसे रचते हैं, ये नहीं समझ में आता। ये समझाने के लिए तो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान कहीं ना कहीं निमित्त बनाए हैं, और आप सभी जो भी भाई बहन लोग सत्य ज्ञान मिला तो आप सभी भी दूसरी आत्माओं को जरूर बताएं, क्योंकि परमात्मा पिता का कार्य है हर आत्मा तक ये सत्य परिचय मिलना चाहिए। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन ठहरे, बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए, इसमें बहुतों को दिक्कत होती है। पवित्रता में पवित्रता की धारणा करने में बाबा बता रहे हैं बहुतों को दिक्कत होती है, ऊंचे ते ऊंच पद पाना है तो मेहनत जरूर करना है। सबसे मुख्य मेहनत आज बाबा बता रहे हैं दृष्टि को पावन रखने के लिए, पवित्रता की धारणा करने के लिए बाबा ये बता रहे हैं सभी बच्चों को। बहुत बाबा कहते हैं बड़ी मेहनत है इसमें, बिगर मेहनत ऊंचा पद कैसे पाएंगे, देवी देवता बनना बाबा करे बहुत ऊंचा पुरुषा। बच्चों को खबरदार रहना है, भाई बहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे,
फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए? बच्चे समझते हैं, बाबा ठीक कहते हैं, हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है। बच्चे भी समझ जाते हैं, बाबा सही बोलते हैं, हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है। स्त्री की भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है, भाई बहन दोनों के अंदर में अपवित्रता होती है, स्त्री पुरुष में। बाबा कहते हैं दोनों को पुरुषार्थ करना है, मंजिल है ना, नॉलेज तो बहुत सुनते सुनाते हैं, परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की होनी चाहिए, बाबा कहते हैं। इसलिए बाबा कहते सबसे जास्ती धोखा देने वाली ये आंखें हैं। सारा मुरली बाबा कहते हैं आंखों पर चलाए हैं, दृष्टि पर चलाए हैं। आज पूरा फुल डे, आज हम लोग दिन भर यही अटेंशन रखेंगे, पूरी पूरी दृष्टि वृत्ति आंखों पर विशेष अटेंशन, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास। और बाबा कहते हैं भाई 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 की दृष्टि, भाई बहन की पवित्र दृष्टि, इसके ऊपर आज दिन भर पूरा पुरुषार्थ करेंगे। फिर बाबा कल महावाक्य में बहुत सुंदर तरीके से, फिर रोज दिन नया नया महावाक्य में गाइड करते हैं, लेकिन आज का महावाक्य जो ईश्वरीय महावाक्य है ये बहुत वंडर है। आज हम सभी को पवित्र आत्मिक दृष्टि रखने का, पवित्रता की धारणा करने का पूरा फुल डे अटेंशन रखना है। मुख भी बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती है, मुख भी म्याव म्याव तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं। मुख भी म्याव म्याव करता है जब आंखों से चीज देखते हैं, तब दिल होती है कि या खाऊं या खाऊं। बाबा स्पष्ट बता रहे आंखों से कोई चीज हम देखते खाने पीने का, जो हमारे अंदर में किसी चीज से अगर खाने पीने में अगर बहुत ज्यादा अगर बाबा कहते हैं थोड़ा सा ग्रीड होता है तो हमारा मन बुद्धि उसमें भी जाता है। इसलिए बाबा बोले कर्मेंद्रियों पर तुम्हें जीत पानी, किसी भी चीजों में हमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज हमें मिल रहा तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आने वाला समय में कुछ भी बाबा कहते हैं बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं मिलेगा, तो अपने आप को हर परिस्थिति में एडजस्ट करना होगा। एक बाबा स्पष्ट बताए खाने पीने में भी पूरा कंट्रोल हमें चाहिए। अच्छा बाबा इतना सारा मुनि का महावाक्य सुनाए, और इसमें लास्ट में बाबा हम सभी बच्चों को बहुत प्यार से स्नेह से याद प्यार देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम सभी बच्चों के लिए स्पेशल बाबा को याद प्यार क्या देना है, रूहानी बच्चों रूहानी मात पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पद्म गुणा, बाप दादा को शुक्रिया जरूर दें, भगवान इतने अच्छे तरीके से हम सभी बच्चों को गाइड कर रहे हैं, इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें उनको बहुत थैंक्स करना चाहिए सुप्रीम गॉड को कि हमारा जीवन श्रेष्ठ और गुणवान बना रहे हैं, और आने वाली स्वर्णिम सृष्टि में देव पद देने के लिए बच्चों पर इतना मेहनत कराते हैं बाबा, इतना अच्छा से गाइड करते हैं। धारणा के लिए मुख्यतः पहला है पवित्रता की चलन अपनानी है, हर एक बच्चों को क्या स्पष्ट बाबा बता रहे, पवित्रता की चलन अपनानी है। दृष्टि बाबा कहते हैं बुरी दृष्टि बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इस कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। बाबा बताए पवित्रता की चलन अपनानी है, बुरी दृष्टि बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए, जो इतना मुरली आप सुने उसमें से दो मुख्य पॉइंट भगवान बताते हैं, इसको हमें जीवन में धारण करने का पूरा पुरुषार्थ करना। आप चाहे तो डायरी पेन में इसे नोट भी कर सकते हैं कुछ कुछ पॉइंट, और आप दिन भर अटेंशन देंगे। आज सुप्रीम गॉड फादर शिव बाबा हमें किस किस बातों पर अटेंशन देने के लिए बोले हैं, हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है, ये जरूर आप नोट करें। पवित्रता की, और इस मुरली को बीच बीच में पढ़ते रहें, जब भी खाली समय रहे तो इसको पढ़ें और राज्यों का अभ्यास करें, तो आपके अंदर में एक बहुत सुंदर संस्कार आ जाएगा, और आपको अटेंशन अपने ऊपर रखना है, तभी ये धारणा हमारे जीवन में होगी। पवित्रता बुरी दृष्टि बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना बाबा कहते हैं। अपने को बुरी दृष्टि बुरी बाबा कहते हैं ख्यालात से न्यारा रखने के लिए अपने को इस सारी कर्मेंद्रियों से न्यारा, मैं एक चैतन्य आत्मा, आत्मिक स्वरूप का जितना अभ्यास करेंगे तभी हमारे अंदर में आत्मिक स्वरूप आएगा, तभी हम पवित्रता धारणा कर सकते हैं। बिना आत्मिक अभ्यास का कोई भी आत्मा बाबा कहते हैं पवित्रता धारणा नहीं कर सकती है। दूसरी पॉइंट बाबा सुना रहे हैं आपस में रूहानी कनेक्शन रखना, बाबा कहते हैं हम सभी जो भी बीके भाई बहन लोग हैं या जो भी ईश्वरीय परिवार के सब बच्चे हैं, रूहानी कनेक्शन आत्मिक कनेक्शन, सभी आत्मा भाई बहन हैं, सब हम परमात्मा के बच्चे हैं और आपस में सब भाई बहन हैं। इस वृत्ति से बाबा कहते हैं आपस में कनेक्शन में आना है। अपना अमूल्य टाइम और मनी बाबा कहते हैं वेस्ट कभी भी नहीं करना, अमूल्य सबसे अमूल्य निधि कहते हैं समय है, समय को हमें कभी भी व्यर्थ की बातों में व्यर्थ की चिंतन में व्यर्थ का तेरा मेरा में समय जो बर्बाद होता है बाबा कहते नहीं करना है, और वेस्ट ऑफ मनी भी नहीं करनी, कहीं पर भी हमें व्यर्थ एक रुपये का भी खर्च नहीं करना चाहिए, हमें वही खर्च करना चाहिए जिससे हमारा जन्म जन्म का पुण्य जमा। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करने बाबा कहते हैं,
संग दोस्त से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी का जो एक बहुत जो अहम रोल होता है वो होता है संग का। तो हमें अपना संग बहुत अच्छा रखना है, अर्थात ऐसे लोगों से संग ना करें जो लोग गलत बोलते हैं, गलत सुनते हैं, गलत दिखते हैं या दिखाते हैं, या गलत बातों को चर्चा करते हैं। बाबा कहे स्पष्ट, आज भगवान हमें गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें गलत संग दोस्त से बाबा कहते बहुत बहुत संभाल करनी है। और लास्ट में हम लोग अभी परमात्मा पिता का वरदान सुनेंगे, वरदान सुनेंगे। आज लास्ट में इतनी वाणी बाबा सुनाए तो परमात्मा क्या परम सदगुरु है, सदगुरु का रोल लास्ट में होता वरदान देने का। तो बाबा हम सभी बच्चों के एक वरदान देंगे और इस वरदान को बहुत सुंदर तरीके से आप सुनिए, इस वक्त चाहे तो नोट कर सकते हैं। एक मिनट, वरदान आप सुनेंगे। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। शिव बाबा बताएं, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ये वरदान सबके लिए है, लेकिन नए पुराने भाई बहनों को ये वरदान ज्यादा समझ में आएगा और नए भाई बहनों को भी अच्छी रीति से समझना चाहिए। आप समझ लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त का समय, आप तो सब जान रहे हैं नए पुराने सभी भाई बहन लोग, कि ब्रह्म मुहूर्त जो अमृत वेले का समय होता है, उस समय परमात्मा बाप से वरदान लेना है और देने वालों को बाबा करे लेकर के, परम पिता से लेकर के संसार में देने वाला वाइब्रेशन जो फैलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप समान, परमात्मा हमारा बाप है, बाप समान भगवान के समान बाबा कहते हैं वरदानी महादानी भव। जैसे परमात्मा पिता भी वरदान देने के लिए आए हैं, वरदान दे रहे हैं, महादान दे रहे हैं सभी बच्चों को ज्ञान गुणों और शक्तियों का, तो बाबा कहते हैं उनके समान हम सभी बच्चे बने। इसका विस्तार समझिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्म लोक निवासी, ब्रह्म लोक परम धाम में रहने वाले कौन है, परमात्मा बाप। ब्रह्म लोक, ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्म लोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में बाबा देते हैं। स्पष्ट है बाबा, आज स्पष्ट बता दिए सभी बच्चों को, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी विशेष जो इस सत्य ज्ञान को समझते, जो भी बच्चे इस ज्ञान को सुनते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष परमधाम के निवासी, ब्रह्मलोक के निवासी ज्ञान सूर्य बाप की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य के रूप में, भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। ब्रह्मा बाबा भी क्या भाग्य विधाता है, कि ब्रह्मा जी भाग्य विधाता है ऐसे भी कहते हैं, और ब्रह्मा जी जब भाग्य बांट रहे थे क्या सो रहे थे, इस प्रकार के सारे हम लोग सुने हैं। तो साथ साथ ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का ब्रह्म मुहूर्त, कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। बाबा करे अपनी वृत्ति जो हमारी कहते कि अपना अंतर मन की जो वृत्ति होता है, मन की जो वृत्तियां हैं उसको हमें बदलने वाला होता है अमृत वेले। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो बाबा कहते हैं। तो हमारी मनसा वाचा कर्मना, हमारे अंदर में जो वृत्तियां, ये परिवर्तन तभी होगा जब ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ करके जो परमात्मा हमें वरदान और शक्ति दे रहे हैं, वो वरदान और शक्ति को लेकर के अगर हम संसार को देंगे तभी वो हमारी वृत्ति श्रेष्ठ पवित्र और अच्छा बनेगा। तो तभी हम भगवान के समान वरदानी, बाप समान वरदानी महादानी बन सकते हैं। तो आप सभी विशेष आज, आज बाबा स्पेशल अटेंशन दिलाए हैं अमृत बेरे उठना है, और परमात्मा बाप जो ज्ञान सूरी है उनसे हमें लाइट और माइट की किरणें लेने का, राजयोग का पहला अभ्यास अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा के साथ से पिता से लाइट माइट की शक्ति का पुरुषार्थ करना है। स्लोगन बाबा लास्ट में दे रहे हैं, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। बाबा कहते हैं, शिव बाबा बोले क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। आप जहां पर भी रह रहे हैं ऐसी कुछ ना कुछ आत्माएं होती हैं जो कोई ना कोई बातों को लेकर के क्रोध करती ही रहेंगी, या क्रोध तो है ना सभी को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आता है। तो बाबा करे आपके सामने जो भी आत्मा क्रोध के रूप में आता है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। स्नेह देने का अर्थ होता हमें बिल्कुल रिएक्ट कभी भी नहीं करना। रिएक्ट किए मतलब क्या है कि हम भी क्रोध में आ गए,
तो बाबा स्पष्ट आज बताएं, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। ओम शांति, ओम शांति। अभी 3 मिनट बाबा को याद करेंगे और इसके पश्चात हम लोग एक विशेष भाई जी है उनके द्वारा आपको अनुभव, अगर अभी हम लोग मुरली लेट से 7:30 से ही शायद हमें लग रहा कि स्टार्ट किए हुए थे, 8:30 बजने वाला है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा अनुभव सुनेंगे। अभी 3 मिनट पहले हम लोग बाबा को याद कर लेते हैं। विश्वजीत भाई जी हमारे बीच में मुंबई से हैं, उनका अभी हम लोग जस्ट 2 मिनट बाबा को याद करने के बाद में उनका अनुभव सुनेंगे। चलिए अभी हम लोग 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। आप लोग आवाज थोड़ा बंद कीजिए माता जी। आप लोग आवाज बंद कीजिए, 2 मिनट साइलेंस में रहिए, आवाज नहीं करेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रहा है अभी विश्वजीत भाई? हाँ ओम शांति। जी 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 ओम शांति भाई जी। अपना अभी थोड़ा स्क्रीन शेयर जो है नहीं हो रहा है, हम लोग अभी दो मिनट बाबा को याद कर लिए। अब अपना आप वीडियो स्टार्ट करें। हम हाँ जी स्टार्ट हुआ अभी तो नहीं आ रहा भाई जी, हमारे यहाँ से दिख रहा है स्टार्ट हुआ है करके। अच्छा अच्छा, हम आपको यहाँ से इंडिकेट कर रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ अभी आप दिख रहे हैं हमें। हाँ नहीं अभी हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं और आपके साथ भी। चलिए हम आपके पास में, आपका वीडियो स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है तो आपके पास में एक जाता होगा स्टार्ट करने का आपका वीडियो ऑप्शन, उसको ऑन करेंगे भाई। आपका वीडियो जैसे आप क्लिक करेंगे स्क्रीन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो हाँ, आया था हमने किया, लेकिन आपका वीडियो हम स्टार्ट हम आपके पास मैसेज जा रहा है ना वीडियो स्टार्ट करने का? हाँ, वो आया था हमने क्लिक किया। ओके, लेकिन यहाँ पर नहीं आ पा रहा भाई जी। रुकिए देखते, शायद एक मिनट हमको लग रहा है ना इसमें थोड़ा सा हैंग कर रहा है, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। हैंग कर रहा है इसलिए इसमें इससे तो खरा आ जाना चाहिए। आप वहाँ से ऑन कर दीजिए, वो कनेक्शन हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। एक मिनट यहाँ से अनम्यूट किए हुए, यहाँ से म्यूट हो गया होगा। नहीं भाई जी का आवाज आ रहा है, विश्वजीत भाई आपका आवाज तो आ रहा है मेरे को यहाँ से केवल। अच्छा एक मिनट, हाँ अभी आया थोड़ा सा एक है। भी आ गया? जी जी राइट ओके, वन मिनट होम शांति भाई। चलिए ओम शांति सभी लोग। ओम शांति। हमारे बीच में विश्वजीत, ये आपका विश्वजीत भाई जी मुंबई से हैं और ये भाई जी का परिचय जो है, हम सभी डीआईएफ के स्पेशल स्टूडेंट रहे हैं जो ट्रेनिंग वगैरह होती रहता है, तो ये डिवाइन यूथ फॉर्म है एक जिसमें हम लोग का स्पेशल जो है रोल होता है और हर समय जाते हैं। तो भाई जी मुंबई से हैं और अपना दो मिनट अगर परिचय देकर के भाई जी हम चाहेंगे, हमारे बीच में कुछ नए भाई बहन लोग भी हैं तो उन लोगों के लिए भी राजयोग से जीवन में क्या बेनिफिट होता है, और बाबा के बच्चे भी हैं और उनको भी आप थोड़ा विशेष बाबा का ज्ञान योग के बारे में कुछ अपना अनुभव भी शेयर करेंगे, तो हम अभिजीत भाई को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना अनुभव शेयर करें। ओम शांति, अपना थोड़ा दो मिनट परिचय देते हुए। शुक्रिया रामदेव भाई। मैं तो सबसे पहले, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आप सबके सामने मुझे ये मौका दिया गया है। तो छोटा सा परिचय ऐसा है, जो जन्म कलकत्ता में हुआ, इस शरीर का जन्म जो है वो कलकत्ता में हुआ, उसके बाद फिर 12वीं तक हमने नेपाल में पढ़ाई किया, उसके बाद फिर मुंबई में आए और मुंबई में आकर के फिर यहाँ पे भी ग्रेजुएशन, फिर मास्टर डिग्री, फिर MBA और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट से भी पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ और साथ में कॉर्पोरेट में भी हम अभी मतलब कार्यरत हैं अभी फिलहाल जी। और कुमार भाई हैं जॉब, और हम कुमार हैं अभी फिलहाल, बाबा ने हमें अभी तक तो अपने गोदी में रखा हुआ है पूरा ही, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है ये जी। तो हमें एक्चुअली रामदेव भाई से जो मिलने का मौका मिला वो दिल्ली में मिला हमको, हम लोग जब ORC में मिले थे, आई थिंक ऑलमोस्ट अभी एक साल होने को आ रहा है, लास्ट सितंबर को मिले थे जी। तो और फिर इस ज्ञान में हमको ऑलमोस्ट 14 साल होने जा रहा है जी। यहाँ पे हमको मुंबई में कोर्स हुआ। हमारा आवाज एकदम क्लियर आ रहा है आपको? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रहा है भाई जी। ओके थैंक यू। तो यहाँ पे हमने बॉम्बे में पढ़ाई करते करते, हमारा जब ग्रेजुएशन चल रहा था उस समय हमारा कोर्स हुआ, उसके बाद फिर हम जब कलकत्ता में गए थे वहां पे भी हमारा कोर्स हुआ, कुछ यहाँ पे रहते रहते होता है ना पढ़ाई, ग्रेजुएशन होते होते तो उस समय हमको मना बाबा का ज्ञान मिला।
और ज्ञान मिल करके फिर हम बाबा के साथ मतलब जो यज्ञ सेवा है वो सब चलने लगा। इस प्रकार से सन 2008 में जब हमने बाबा का ये महावाक्य, सबसे पहला मुझे खिंचावट किससे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहला जो है, हमें स्वामी विवेकानंद के ऊपर बहुत अच्छा, बाल्यकाल से ही बहुत ज्यादा ही आकर्षित होता था, जो उनके जैसा कुछ बने हम जी। और श्री हरि नारायण जो है उनके बहुत ज्यादा हम भक्ति करते थे, उनसे बातें किया करते थे बचपन में भी। तो हाँ, जो भगवान से बातें किया करते हैं हमें बताया जाता है, वो हम बचपन से ही हम करते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। उनके फोटो को हम दिल में लगा के हम बातें करते थे, तुम कब मिलोगे करके, तो ये भी बातें आती थी। तो जब बाबा मिला ना, तो बाबा के मिलने के बाद सबसे पहला दिन जब हमने देखा, तो जो बाबा को भोग लगाया जाता है उस समय ही हमने जो देखा, इतना रॉयल्टी से जो भोग लगाया जाता है, वो कितनी सुंदर से ईश्वर को भोग लगाते हैं और कितना ऊंची हस्ती है वो, तो हमें बहुत आकर्षित हुआ वो जी। फिर वो जो स्लोगन है, योगी भव और पवित्र बन, है ना, योगी बनो पवित्र बनो का जो स्लोगन है, ये मुझे ज्यादा आकर्षित किया। क्योंकि हाँ, मेरा जो जीवन आज जो मुरली जो चल रहा था पवित्रता के ऊपर, बहुत मुझे बहुत आकर्षित करता है जो पवित्रता का जो भी पॉइंट आता है ना, एकदम दिल गदगद हो जाता है। तो योगी बनो और पवित्र बनो, मना दोनों ही मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा साबित हुआ ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद जैसे ही ये चांस मिला, क्योंकि हमें पता था भक्ति में, हमने सुना था जो जब नारायण का अंतिम अवतार होगा, ब्रह्मा का रूप लेगा वो और तीन पैर पृथ्वी लेकर के पूरा जग को ले लेगा। तो जब हम ब्रह्मा के बारे में जब सुना, तो ऑब्वियसली वही आत्मा आकर के ब्राह्मण रूप धारण करेंगे और पूरा पृथ्वी को ही लेंगे, माना पूरा सतयुग को चेंज करेंगे। इस प्रकार से हमने वो एक बार में ही निश्चय बैठ गया, जो जब हमने पहला दिन का कोर्स होता है, फिर तीसरा दिन में जब हमको बताया जाता है जो ब्रह्मा बाबा के बारे में, तो हमें पहले ही हमें निश्चय हो गया, ये तो मेरा ही है, वही जिसको हम बातें करते थे ढूंढते थे वही आ गया है और मेरे सामने, तो मैं इसको कैसे अभी हाथ से जाने दे सकता है, ये मेरे लिए एक लॉटरी मिल गया ऐसा लगता है जी। तो ये बहुत सुंदर मेरा मुझे उस समय लगता था और अभी भी बहुत वही एक जीवन में प्रेरणादायी लगता है। तो मैं कुछ बातें, अब ये तो रहा छोटा सा जो हम कैसे ज्ञान में आए, अभी हम आपको थोड़ा बहुत जो हमको ज्ञान में बहुत अच्छा लगता है वो हम आपके सामने रखने का कोशिश करते हैं। हमें हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो हमें आशा है जो हम अच्छे से आपके पास जितना हो सके हम रख सकेंगे। तो सबसे पहले जो नए भाई बहने हैं, तो उनको तो बहुत बहुत बाबा का ज्यादा ही उनको प्यार रहता है, कि छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे ज्यादा लाडले होते हैं, प्यारे होते हैं, तो उस तरह से हम भी जब छोटे बच्चे थे हमको भी बहुत प्यार है, आज भी छोटे बच्चे करके ही हम चलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। तो जो बाबा का सबसे पहले हमको ज्ञान जो मिलता है, सबसे पहले हमको ये समझना होगा, ज्ञान के तरफ हम अभी चलते हैं थोड़ा सा, जो हमारा जन्म हमको देने वाला माँ जो है वो ब्रह्मा माँ है। शिव बाबा तो हमें लाइट से हमें जन्म दे देता है, मगर हमको पालना देने वाला, हमको आगे बढ़ाने वाला ब्रह्मा बाबा है। दूसरे धर्म वाले हमारे धर्म में, माना आदि सनातन देवी देवता धर्म में क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा को नहीं मानते हैं जी। वो ब्रह्मा बाबा को अपना मानते नहीं है। और हमने जब माना, हम जितने भी सुनते हैं अपने ब्राह्मणों से, तो उनसे यही सुनते हैं ये मेरा बाबा अपना है करके। इवन जो भी दीदियां दादियां जो भी हैं, उन सब का ये लगता है जो ये शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही कंबाइंड है। तो ब्रह्मा बाबा का उनका व्यक्तित्व तो ही ऐसा था, जो 12 गुरु करने के बाद वो जो गुरु बनने का, एक गुरु को कितना आदर दिया जाता है, वैसे ही वो शिव गुरु को कितना आदर सम्मान दे करके वो चलते थे। मैं बाबा का कुछ बातें आपको सामने रखूंगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का जीवन ही है ऐसा कि वही बात करने का लायक है, बाकी सब हम समझते हैं है ना, उसके बाद आना चाहिए क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही हमारे लिए बहुत प्यारा है। ब्रह्मा बाबा ऐसे थे जो कोई भी बच्चे जो मधुबन में जाते थे, आप सभी नए भाई बहुत जरूर आप सुने इस बात को ध्यान से, जब कभी भी नए बच्चे जाते थे बाबा के पास, तो उनको क्या करते थे, वो पहले पास में बुलाते थे
और विशेष करके कुमार कुमारियां जी है ना, तो उनको बुलाते थे, गोदी में रखते थे और फिर टोली खिलाते थे। वो एक समय ऐसे भी हुआ जो किसी ने सेवा करते करते, जो नए जाते हैं तो उनके सेवा करते करते कभी काल एक भाई का एक हाथ कट गया था, तो खून निकल गया। तो बाबा को ऐसा हुआ, जो बाबा ने फिर उस समय में फिर रमेश भाई को बुलाया, तो रमेश भाई को विशेष वो टोली दिया और मना उस समय वो बादाम होता था, बादाम वगैरह और फिर है ना, तो गुड़, तो वो दे करके बोला जो विशेष उस बच्चे को देना, क्योंकि उस बच्चे ने बाबा का यज्ञ में खून दिया है ना, बाबा उसका ऋणी बन चुका है। तो इस तरह से बाबा फिर उसके बाद उस बच्चे को, जो नहीं आ पाते थे कुछ कारण से सेवा में है, तो उसको क्या करते थे, विशेष रात में जाग करके देख के आते थे। इस प्रकार से दादियों का भी ऐसा ही अनुभव रहता था हमेशा ही, जो बाबा ऐसा था जो लौकिक माँ बाप भी इतना अच्छे से पालना नहीं दे सकता है जितना ब्रह्मा बाबा करते थे। वो खुद भी उनका पुरुषार्थ ऐसा था जो रात में ही पुरुषार्थ करते थे। क्यों, बाबा कहते हैं जो अमृत वेला में ही तुम पुरुषार्थ करो, अपनी वृत्ति को चेंज करो, उसको करने के लिए तुम्हें अमृत वेले की आवश्यकता होती है। कारण क्या है, हम आपको शरीर मिला हुआ है, शिव बाबा को शरीर नहीं है, उनको ब्रह्मा बाबा का तन होता था। तो एक समय क्या हुआ, रमेश भाई जी जो अभी है नहीं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो पूरा कारोबार संभालते थे। तो रमेश भाई जी के साथ ब्रह्मा बाबा एक समय में ट्रेन में जा रहे थे, तो एक समय, ये बहुत पहले की बात है, तो उस समय में रात में जो एक कंपार्टमेंट पूरा होता था, एक पूरा बग्गी होता था ना, उस समय बंद किया जाता था, तो रमेश भाई मतलब ऊपर का इसमें सो गए, तो रात में 2 बजे देख रहे ब्रह्मा बाबा बैठ करके, रात 1 बजे से 2 बजे से बैठ करके योग कर रहे हैं। तो फिर रमेश भाई जी को जैसे आंख खुला, तो उन्होंने पूछा ब्रह्मा बाबा से, बाबा ये तो अभी आप ट्रेन में हैं, अभी आप सो सकते हो ना, 2-3 बजे आप पूरा दिन भर सेवा किए, फिर उसके बाद थक गए होंगे आप, 3 बजे 4 बजे करो आप, तो ऐसा उन्होंने बोलने लगा। तो बाबा का उत्तर सुनने का बहुत अच्छा है इस समय में, क्या बाबा ने कहा, बाबा ने कहा देखो बच्चे, आप बच्चों को तो शरीर है मगर शिव बाबा का शरीर नहीं है, उनको ये तन का आधार लेकर के आप बच्चों को पालना देना पड़ता है। तो इसीलिए इस ब्रह्मा को जो है ना समय नहीं मिलता है पुरुषार्थ करने का, तो इसीलिए वो रात को जाग करके भी अपना स्वयं का पुरुषार्थ करते हैं। आप बच्चों को फुर्सत मिलती है दिन भर में, आपको टाइम मिलता है, मगर इस ब्रह्मा को टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए वो रात में जा करके भी, और फिर इसीलिए वो पुरुषार्थ करते हैं। तो फिर समझ में आया जो ब्रह्मा बाबा कितना अपने पुरुषार्थ में कितना लक्ष्य के मतलब आगे बढ़ने के लिए वो तत्पर थे, दिन रात शिव बाबा का सेवा में रहते थे और रात में जा करके वो पुरुषार्थ करते थे। ये हम आपको क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का जीवन को हम जैसे ही पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ने में हमें बहुत मदद मिलती है। वो हमारा प्रेरणादायक है। और नए भाई बहनों को हम तो ये कहते हैं, क्योंकि आपका ब्राह्मण जीवन का रेखा अभी शुरुआत हो चुकी है, जो रेखा खींचती है ना, जो हमारा हाथ का रेखा होता है, देखते हैं हम, आवाज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिना हेडफोन बात की है। तो हाथ का जो रेखा है, तो रेखा का आप अगर पहला ही रेखा आप अगर ब्रह्मा बाबा से शुरुआत करते हैं, तो उसका क्या कहना, तो उसका खींचने का जो लकीर है ना, वो बाबा खुद खींचेगा। तो इतना निश्चय हो हमारा बाबा के प्रति, जो बाबा मेरा साथ है, क्योंकि ये अंतिम जन्म में अगर हम अगर उनको अगर कुछ निश्चय और कुछ संचय में अगर चला गया, ये समय हमारा अमूल्य चला गया, तो फिर कभी मिलने वाला वापस नहीं है। मुझे बाबा का बहुत, मैं पहले जब नया नया जब आया था ज्ञान में, तो उस समय में मुझे बहुत एक बात बाबा का याद आया, तो कभी कभी जाता था है ना, बीच बीच में गैप कर देता था पढ़ाई की वजह से, कुछ कारण की वजह से। एक समय तो बाबा से मैं नाराज हो गया था, और नाराज हो करके 1 महीना गया नहीं, कुछ कारण से गया नहीं ना, मतलब जो वो मेरा कुछ सुनता नहीं है, ऐसा नहीं करता है ना, मैं इतना योग करता हूँ, कुछ बात नहीं करता है ना, तो मुझे कुछ जवाब भी नहीं देता है। तो ऐसा उस समय में, फिर जब
फिर पढ़ाई करने के समय में हम क्या करते थे, सुबह में पहले से ही आदत था, लौकिक में भी 4 बजे हम उठते थे, उठ करके पढ़ाई करते थे। उस समय क्या हुआ, एग्जाम का समय था और फिर एग्जाम का ठीक कुछ दिन पहले ही हम 1 महीना पहले तैयारी करने में बैठे थे। फिर अचानक हमको क्या हुआ, खिंचाव इतना हुआ कि हम चले गए उस जहाँ पे सेंटर है उधर गार्डन है, तो वहां जाते हैं और सुबह में मुरली चलता है, मुरली में पॉइंट आता है, बच्चे भले आप जग से रूठ जाओ, इस बाबा से कभी मत रूठना, है ना, ये दुनिया से किसी से भी आप रूठ जाओ, इस बाबा को मत, बाबा से कभी मत रूठना। क्यों बाबा ऐसा बोलते हैं, बाबा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाबा का आप बच्चों के सिवाय कोई नहीं है इस दुनिया में पहचानने वाला, है ना, चाहे आप नए बच्चे हो, चाहे पुराने बच्चे हो, चाहे माता हो या बूढ़े भाई हो या कुमार भाई हो, बाबा का ये बात बहुत मुझे दिल में लगती है। जो बाबा कहता है, जो बच्चे मेरा तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है मुझे पहचानने वाला इस दुनिया में, बाकी सब जन तो अपने अपने ऐशो आराम में है, तुम ही बच्चे जो है मेरा महावाक्य सुनते हो, मेरे बातों को सुनते हो, समझते हो, धारण करने का कोशिश करते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, है ना। तो मुझे इतना टच हुआ, उसके बाद से मैं कभी ऐसा नहीं किया, जो मैं बाबा आपके सिवाय मैं कहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा जो मैं नहीं जाऊंगा। तो हर दिन ऐसा ही खिंचावट होती थी, जब तक उसका मुखड़ा नहीं देख लूंगा तब तक मैं नहीं, मुझे सुकून ही नहीं होती है, है ना, जब तक उसको देखूंगा नहीं। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया, है ना। अब उसके बाद जैसे जैसे बाबा का साथ चलने लगते हैं ना, एक बार कुछ गोद में बैठ गए तो फिर कैसे कैसे बाबा लेके जाता है वो हम थोड़ी सी बात बताते हैं। तो नए भाई जो हैं इस बात को, हाँ जी 10 मिनट है भाई जी समय, अच्छा हाँ 10 मिनट, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले बहुत अच्छा अच्छा किताबें हैं वो पढ़ सकते हैं, बाबा के जो बहुत अच्छे अच्छे जो बुक्स है उसको पढ़ सकते हैं। फिर मन से बातें करना है, अगर योग में और अगर पूरा जीवन को अच्छे से चलना है, चाहे वो नए हो या पुराने हो, अगर चलना है तो हमें अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है। अपने आप से बात करना माना जो भी छोटी मोटी जो भी गलतियां होती है, जो भी उसका मिटाने का, उसका परिवर्तन करने का बहुत अचूक वाण है ये, क्योंकि हम अपने आप को जब समझा लेते हैं ना मुझे करना क्या है, तो फिर हम समझ जाते हैं जो मेरा लक्ष्य कहाँ है और मुझे जाना कहाँ पे है। इस तरह से कैसे करना है ये मैं थोड़ा सा बात रखता हूँ। जो हम समझते हैं जैसे ही स्टार्टअप करते हैं, हम मन से बातें कैसे करना है, तो मन से ये बात को सोचे, है ना, कभी आंखें बंद कर ले, आंखें बंद करके इस बात को सोचे और ध्यान दे, जो मैं इस समय में जो कर रहा हूं, क्या ये मेरा सच में आत्मा का उन्नति का काम है या सिर्फ मैं देहधारी को खुश करने के लिए ही कर रहा हूं, है ना, ऐसा तो नहीं ना, मेरा जो समय है अमूल्य, ये जो समय है, इवन ये लॉकडाउन का भी समय है जो कि मुझे खुद के लिए मिला हुआ है, मैं कहीं औरों के लिए तो नहीं देव पे बैठ रहा हूँ, है ना, कोई मुझे आगे बढ़ाए, कोई मुझे ये कर रहा है, कोई मुझे प्रशंसा कर रहा है, कोई मुझे वो चाहिए वो चाहिए, इसमें ही तो मैं नहीं लग रहा हूँ। तो ये मन से बातें करना बहुत जरूरी है। तो अंत में मन को क्या समझाने को मिलेगा और यही निर्णय आएगा, जो मैं जो भी कुछ देख रहा हूँ, जिसको भी मैं खुश करने के लिए लगा पड़ा हूँ इस जीवन में, वास्तव में इस जीवन में किसी को भी खुश नहीं कर सकते हैं, एक सिर्फ शिव बाबा को अगर खुश कर दे तो सारा आत्माएं खुश हो सकती है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना जो बीज अभी तुम्हारे हाथ में है ना, तो बीज अभी हमारे हाथ में है, मतलब बाबा को हम जब याद करते हैं तो सभी आत्माओं तक ये शक्तियां, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सारे चीज पहुंच जाती हैं। कुछ बातें अंत में ये कहना चाहूंगा, जो घर में जो भी कोई योग करते हैं, जो भी अभी नए भाई बहने हैं, तो उनको घर में बैठ करके हो सकता है सबके सामने प्रॉब्लम आता भी होगा, है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो हम घर में जहाँ पे भी पूजा पाठ करते हैं वहां पे कोई कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, क्योंकि वो देखते हैं और समझ जाते हैं जो ये तो पूजा में बैठा है, तो आप भले ओम ध्वनि का कुछ एक अच्छा सा म्यूजिक लगा दीजिए, पूजा स्थान पे दिया आप जला लीजिए, दिया जला के, या मंदिर में जहाँ पे दीपक जलाते हैं वहां बैठ करके आप
खुली आंखों से फिर बाबा को याद करें उस समय में, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा उस समय भी। तो इस तरह से हम पहले पहले कर देते हैं। रात में जाग करके जब अमृत वेला स्टार्टिंग करना होता था तो उस समय भी हम क्या करते थे, दिया जला लेते थे और दिया जला के उस समय बैठ करके फिर योग करते थे। तो सबको लगने वाला जो है, क्या बोलते थे घर वाले, जो हाँ ये तो पूजा कर रहा है, मतलब इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसमें है, ठीक है छोड़ दो, तो कोई तकलीफ नहीं देगा। ऐसे अगर अंधेरे में बैठे रहेंगे ऐसे लाइट जला के तो उनको डिफरेंट लगेगा, कुछ अलग लगेगा। तो ये युक्ति हमको रचना पड़ेगा दुनिया वाले से बचने के लिए। अभी इस समय में लॉकडाउन में हम इतना कहना चाहेंगे, किसी के जीवन में अभी हस्तक्षेप करने का समय नहीं है। ये जो समय है अपना स्व उन्नति के लिए है। किसी के प्रति आप आशाएं इच्छाएं भी ना रखें जो इससे मुझे कुछ मिलेगा, इससे मुझे उन्नति होगी, नहीं। ये अंतिम समय में जो बाबा ने मौका जो दिया हुआ है, ये हमारा खुद का पुरुषार्थ के लिए। वो कहते हैं ना जो महाभारत में, जो अर्जुन को बाण आने के लिए कुछ देर के लिए बादल को रख दिया गया था, मतलब सूरज की किरणें को एक करने के लिए ढक दिया गया था। तो इस समय लॉकडाउन का ये जो समय है, ये लॉकडाउन का समय उसी तरह से जो सूरज की किरणें जो है उसको बादल के रूप में कुछ देर के लिए ढका गया है, ताकि हम पुरुषार्थ कर ले, हमारा जो प्रतिज्ञा है वो हम आगे बढ़ सके, हम कुछ देर के लिए फिर हम अपने अंदर की जो माया है उस माया को हम मार सके। तो इसीलिए हमको बहुत खुशी होनी चाहिए जो हमको ये समय मिला हुआ है अपने जीवन के लिए आगे बढ़ाने के लिए, जीवन का जो रेखा है, ब्राह्मण जीवन का जो रेखा है उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए। बस अभी और 4 मिनट हमारे पास है, अभी 4 मिनट में हम इतना और भी आपको कह सकते हैं। जो योग की अलग अलग विधियों को हम ले सकते हैं, योग की तो बहुत सारी विधियां हैं। अभी अंतिम समय में बाबा जो योग के लिए कहते हैं वो बिंदी स्वरूप में टिक जाने के लिए, परंतु उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास भी चाहिए। तो रोज का अभ्यास में हम क्या कर सकते हैं, जो मैं भी करता हूँ हमेशा के लिए, तो एक कुछ दिन के लिए छोटा सा प्लान बना ले, चाहे एक दिन चाहे 2 दिन के लिए। उस 2 दिन में हम क्या करते हैं, उस 2 दिन में हम हो सकता है किसी से हम ज्यादा बात नहीं करें, मौन रख सकते हैं तो मौन रख ले कुछ देर के लिए। पहले स्टार्टिंग में 5 घंटा 6 घंटा तक रख सकते हैं तो वो रख ले, और रखने के बाद कभी साइलेंस म्यूजिक लगा ले, कभी गीत लगा ले, कभी साइलेंस म्यूजिक, और कभी उसके बाद म्यूजिक और साइलेंस म्यूजिक भी सारे बंद कर दें, और ऐसे ही खुली आंखों से बाबा के तरफ से दृष्टि लेते जाएं। और जैसे जैसे बाबा से ये दृष्टि लेने का अभ्यास हम करते जाएंगे, हमारी जो एक क्रिमिनल आई जो है ना, एक क्रिमिनल जो आंखें बहुत धोखा देती हैं, ये हमारी बहुत शांत होते जाएगी, है ना। तो और उसके बाद हमसे जो शक्तियां जो औरों को मिलेगी वो बहुत काम होती है। हमने अपने जीवन में भी ये अनुभव किया है। अभी इस समय में हमको अगर किसी को मदद भी देनी होती है सूक्ष्म रूप से, अभी हमारी माता जी है कलकत्ता में, उनको कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ पे बाबा को याद करते हैं और सूक्ष्म रूप से उनको हम बोल देते हैं जो आप इस समय में बैठना पूजा के स्थान में, तो उस समय में उनको इमर्ज कर करके शिव बाबा को याद करके उनको वो शक्तियां देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उनको भी ऐसा लगता है जो मुझे कुछ शक्तियां मिल रही है। बाद में हम 2 दिन बाद पूछते हैं इस समय में ये प्रॉब्लम थी, फिर सॉल्व हुआ क्या, तो लेकिन हाँ ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह से भी हमें बहुत अच्छा मौका मिलता है ना बाबा का हर एक बात को, पॉइंट को जीवन में अमल लाने के लिए। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, जो बीच बीच में बाबा का जो भी एक एक छोटे छोटे जो पॉइंट है, जैसे बाबा लाइट माइट के बारे में बाबा कहते हैं, जो लाइट का शरीर, अभी लाइट माइट का होता क्या है, तो हो सकता है जो आप जो नए आए हो उनको थोड़ा सा समझ में ना आए, तो हम एकदम सिंपल सा कहेंगे हम आपको, लाइट माइट का इस तरह से होता है, जैसे कि हमारा ये शरीर एकदम लुप्त हो चुका और मैं ये शरीर चमकता हुआ, ये जो शरीर है ना, ये आत्मा है, ये चमक रही है और धीरे धीरे ये पूरा लुप्त हो रही है और ये पूरा प्रकाश एकदम फैल रही है शरीर में, और जैसे जैसे ये प्रकाश फैल रही है और शिव बाबा की जो शक्ति है वही माइट है। जब बाबा से हम वो शक्ति लेते हैं और वो आत्मा हम परमधाम को, माना यहाँ से इस शरीर से हम जैसे निकल जाते हैं, माना वो पूरा परमधाम आ जाता है, हम वो जोन में चले जाते हैं, वो एरिया में चले जाते हैं,
इस बॉडी से हम जैसे निकल जाते हैं तो उसके बाद हमारा परमधाम का एरिया आ जाता है, और परमधाम माना लाइट का एरिया, और शिव बाबा है शक्ति, माना माइट है, वो उनसे वो शक्तियां लेंगे। और जैसे इसमें हम थोड़ा थोड़ा देर का टिकने का, पहले एक मिनट अभ्यास करें, फिर दो मिनट, फिर ऐसे दस मिनट, फिर आधा घंटा, जैसे ही ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, उसके बाद हमें अनुभव होगा जो हमें बहुत खुशी की अनुभव हो रही है जी। तो आपको बहुत ही अनुभव होगा। जो हमारा योग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसे चेकिंग करेंगे? तो पहले आपको बहुत खुशी होगी, आपके जो कर्मेंद्रिय जो विकर्म करते थे, चाहे कोई चीज की लालच है खाने के लिए, कोई कर्मेंद्रिय चंचल है, तो धीरे धीरे शीतल होते जाएगी, तो प्रॉब्लम फिर नहीं आएगा, है ना। तो इस तरह से बहुत अच्छे से आप धीरे 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 उन्नति को पाते जा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट प्लान आपके पास बहुत तैयारी हो, तैयारी आप रख सकते हैं आगे के लिए भी। और फिर इस समय में आपने जो जो किया हुआ है उसको नोट डाउन करते चाहिए, जैसे बाबा करते थे, ब्रह्मा बाबा भी उस समय भी करते थे, ताकि वो फिर आगे चल के सबको इस उनका पुरुषार्थ हम सबको पता चले। कभी एक दिन ऐसा रखिए जो गुरुवार के दिन बाबा को हम भोग लगाएंगे, सोचिए जो भगवान जब धरती पे आया, मैं भगवान को भोग लगाने का इस समय में हमको मौका मिला है, तो माताएं इसमें बहुत आगे रहती हैं। तो हम खुद भी गुरुवार को भोग लगा के, हमारे यहाँ पे जो भी कुमार हैं उनके साथ में हम लोग क्या करते हैं, टीम बना लिए रहते हैं, तो सब मिलके एक साथ में हम लोग फिर 9 बजे भोग लगाते हैं बाबा के लिए, खुद अपने हाथों से भोग बनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं। नहीं मिला तो कम से कम एक फ्रूट लगा देते हैं, वो भी नहीं मिला तो कम से कम एक केला तो दे सकते हैं बाबा को, है ना। बाबा भावनाओं का भूखा है ना। इतना ध्यान रखेंगे जो बाबा का, हमारे सिवाय और कोई नहीं है, हम बाबा को इतना प्यार से याद करें कि आंखों से आंसू आ जाए। और जैसे वो बाबा कहते हैं वो आंखों से जैसे आंसू आते हैं ना, तो बाबा उस आंसुओं को मोती के डिब्बे में रख देते हैं, है ना। इतना प्यारा बाबा है हमारा, तो इसीलिए ये अनुभवों का सागर में आप जब डूबेंगे तो फिर उठने का मन नहीं करेगा, फिर आप ये नहीं कहेंगे जो मुझे तो योग नहीं करता है, करने आता है, ऐसा नहीं। ये हमारा योगी जीवन है ना, जीवन तो काफी लंबा होता है ना, आप कभी हताश नहीं होइए जो मुझे अभी योग नहीं होता है क्या करूं, नहीं। कुछ देर के लिए आप बैठ जाएंगे ना, बाबा को बोलिए बाबा मुझे ऐसा हो रहा है, जो कुछ देर के लिए मुझे ये आप ये योग कराओ, है ना। कभी सतयुग में जाने का, अच्छे अच्छे अभी वीडियोस भी आ चुके हैं, कभी कमेंट्री लगा दीजिए, कभी सतयुग में जाकर के बाबा के साथ रमण कीजिए, जो मेरा देव स्वरूप ऐसा होगा, मैं बाबा के साथ ऐसे राज्य करूंगा, तो कभी मैं बाबा के साथ घूमने जाऊंगा, मैं ऐसे करता हूँ, कभी कभी सतयुग में चले जाता हूँ बाबा के साथ में, है ना। वो नारायण स्वरूप में होते और मैं छोटा बच्चा हो जाता हूँ, या फिर कभी देव स्वरूप में, कभी नदी के किनारे जाते हैं तो कभी पुष्पक विमान में घूमते हैं, तो आधा एक घंटा ऐसे चिंतन में चले जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है फिर आने के बाद। तो इस तरह से हम नए नए तरकीब से अगर योग करेंगे ना, तो बहुत आनंदित हो जाएंगे हम, जीवन को इतना मजा आ जाएगा, फिर ये कुमार जीवन ऐसे नहीं लगेगा, जो मुझे तो ऐसा नहीं लगा जो ये जीवन हमारे लिए बहुत कठिन है या फिर हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, नहीं। इसको हमें जो मिल रहा है इसके सिवा, इसके लिए हमें करोड़ों अरबों रुपया भी हम इसके लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें एक आपको और एक उदाहरण बताता हूँ, मतलब जीवन का एक और एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमें एक सिंगापुर से कुछ 50-60 लाख रुपए का ऑफर आया था, मतलब जॉब के लिए ही, है ना, कॉर्पोरेट लेवल पे, है ना। तो इसके लिए तो मगर यहाँ पे दीदियों के साथ जैसे ही हमने बातचीत किया, तो फिर सबसे हमने, मतलब हमने भी सोचा बाद में, जो ये जीवन में मुझे क्या चाहिए वास्तव में, मैं किस चीज का भूखा हूँ, मुझे पैसा का भूखा हूँ कि पेट तो सिर्फ एक पाव आटा चाहिए, है ना, सिर्फ चावल चाहिए, बाकी पैसा हम करते क्या है, बाकी तो हम संसाधन जुटाने के लिए ही लगे पड़े हुए हैं। वास्तव में जब हम ये स्वचिंतन में जाएंगे ना, तब मुझे सच में पता चला जो मैं वास्तव में मुझे चाहिए क्या। तो जब मैं उतना समय में उतना मुझे मिला था सिंगापुर से, बहुत अच्छा फार्मास्यूटिकल कंपनी था, वहां से मुझे ऑफर मिला था, भले यहाँ पे उसका 10% मुझे मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं यहाँ पे अपने भारत में रह करके, बाबा बोलते हैं ना भारतवासी है तो बहुत बड़ा ऊंचे भाग्य है, तुम्हारा जन्म मतलब यहाँ पे हुआ है, मतलब बहुत भाग्य है,
है ना, तो मुझे बहुत नशा होता है। जो बाबा मेरा साथ है, साथ में मैं भारतवासी हूँ, और ये पैसा तो क्या, मुझे तो मिलने वाला जो है वो इससे भी कई गुना है ना। तो इस तरह से हम अपने आप को हमेशा खुशी में लाने थे, मतलब जब पुराने आप कभी भी बैठ जाएंगे ना, पुरुषार्थ क्या करें आप सोचिए, तो बाबा आपको जो मदद दिया हुआ है ना, उसको कभी चिंतन में लाइए, जो बाबा ने कैसे कैसे मदद दिया। हो सकता है कोई ऐसा संकल्प आया होगा हमारा, ये हमको याद है, हम जब उधर थे कलकत्ता में, एक समय कुछ भूकंप आया था, हम लोग योग में बैठे थे सभी, और क्योंकि मुरली में एक पॉइंट आया ना, आपने बोला जो 3 फीट आगे भी मतलब भूकंप आएगी और पता नहीं चलेगा, तो मुझे अपने वो कलकत्ता के बारे में याद आया। तो भूकंप आई मगर हम लोगों को कुछ नहीं हुआ उस समय में, हमको ये संकल्प भी नहीं आया जो भूकंप आया भी करके, है ना। तो इतना सुंदर हमें अच्छा लगेगा जो प्रकृति, सच में प्रकृति अगर कुछ भी ऊपर नीचे करेगी भी ना, मगर हमको कुछ उतना तकलीफ नहीं देगी। तो इसीलिए हम अपने जीवन में बाबा का ज्ञान को इस तरह से धारण करें। मुझे 5 पॉइंट जो समझ में आता है मैं आपको शेयर किया, जो मुझे किसी को भी दुख नहीं देना है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है हमें। एक्सपेक्टेशन माना जो इच्छाएं रखते हैं, आशाएं ठीक है, इच्छाएं जो रखते हैं, इच्छाएं माना आवश्यकता और इच्छाएं अलग अलग होती है। आवश्यकता माना मुझे दिन भर में मुझे 1/2 किलो आटा चाहिए, तो मुझे वो आवश्यकता है, उतने के लिए ठीक है, मगर मुझे मैं अगर 1.5 किलो आटा ले लेता हूँ, माना वो इच्छाएं हो गई, है ना, माना आवश्यकता से ज्यादा अगर मांग लिए तो हमें ठीक है, आवश्यकता के लिए कमाना बहुत जरूरी है, मगर इच्छाएं रखना जरूरी नहीं है, वो हम किसी से ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि आप जहां पे एक्सपेक्टेशन रखेंगे दुख आपका वहीं से ही आएगा। राइट बोले। इसीलिए नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बाबा इसके लिए कहते हैं, और माताओं के लिए मोह ज्यादा बड़ा पेपर है, और भाइयों के लिए अहंकार। ये बात को समझना बहुत जरूरी है, जो भी भाई बहने समझ रहे सुन रहे हैं। राइट वन। माताओं के लिए जो है जो माया होती है ना, जो मोह होती है, वो बहुत बड़ा पेपर आएगी, तो इसलिए हमको चेक करना है जो मैं किस किस मोह में मैं फंसा हुआ हूँ अभी भी, मेरा रग कहाँ कहाँ पे है। अगर वो रग है तो क्या करें, वतन में जाएंगे और बाबा से जैसे जैसे वो शक्तियां ले रहे हैं, वो किरणें ले रहे हैं, और सोचिए मेरे जो जितनी भी रस्सियां हैं आसपास में, वो सारे दग्ध होते जा रहे हैं और सारे छुटते जा रहे हैं, और मैं एकदम हल्का होकर के फरिश्ता होकर के उड़ रहा हूँ। और फिर जो अहंकार जो है, अहंकार भाइयों को बहुत ज्यादा होता है ना, शक्ति है ना इसके लिए, शक्ति है, सोचते हम बहुत ज्यादा ज्ञानी है, अहंकार, फिर उसके लिए हमको क्या सोचना है, जो हमको ये बात समझना होगा जो मैं अहंकार किसके लिए कर रहा हूँ, किसको मैं अहंकार दिखा रहा हूँ, क्या अपने ताकत किसको दिखा रहे हैं, है ना। तो ताकत तो इस दुनिया में बहुत सबको है, हमारे इस ताकत किसी को काम में नहीं आएगी। इसके लिए बाबा कहते हैं जो इसमें बच्चे हो या बूढ़े हो या युवक, सारे बूढ़े हैं, सारे वानप्रस्थी हैं, तो अहंकार एक बार में खत्म जी। कुछ नथिंग न्यू का पार्ट है, बस इतना ही। अभी और ज्यादा, क्योंकि ऐसे तो पॉइंट बहुत सारे है, तो हम ज्यादा समय और नहीं लेंगे, बाबा का इतना ही हम कहेंगे। एक महावाक्य है जो बाबा ने कहा हुआ है, अंत समय में जो मार्क्स जो मिलेगी वो धारणा स्वरूप वाले को मिलेगी, जो सेवा में ज्यादा तत्पर हैं उनको भले अगर 1 मार्क्स मिला, अगर आप धारणा स्वरूप होंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। अब धारणा स्वरूप का मतलब क्या है, इस बात को एकदम सिंपल रीति से समझ जाए। बाबा कहते हैं ना जो तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तो आज हम एक दिन से प्रैक्टिस कर ले मुझे झूठ नहीं बोलना है, तो आने वाला 10 दिन में अटेंशन और अलर्ट, अलर्टनेस अगर रखेंगे और एक्टिव रहेंगे, जो मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। युक्ति अलग है, झूठ अलग है, मुझे झूठ बोलना ही नहीं, तो बस वहां से फिर वो खत्म हो जाएगा। माना आप एक बात का धारणा मूर्त बन गए, तो आप जैसे ही वो धारणा मूर्त बन गए, तो आप भले उस चीज का आप कोई दूसरा सेवा नहीं कर रहे, मगर आपका धारणा मूर्त होने के कारण आपको 1 के जगह पे आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो बाबा अलग 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 पॉइंट दिए हैं, तो हर एक चीज को धारण करने के लिए हमें 2 बात बहुत आवश्यक है, वो है एक्टिव होना और अलर्ट रहना। पवित्रता भी अगर खंडित होती है तो हमारे अलर्टनेस की कमी की वजह से।
जहां हम अलर्टनेस हमारी चौकन्ना हम होने से थोड़ा निगरानी से हमें कमी हो जाती है, तो उस समय में हम क्या होता है, आपस में हमारे से कुछ ना कुछ विकर्म हो जाते हैं, कुछ ना कुछ पाप हो जाते हैं। तो एक्टिव और अलर्ट, ये बहुत सुंदर ये पॉइंट है जो मुझे भी लगता है, हमेशा हमेशा एक्टिव रहना बहुत जरूरी है ना, तो पूरा जीवन भर में हम आगे बढ़ सकते हैं। और ब्राह्मणों को तो एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू, और आप लोगों सभी ने सुना इतनी समय से, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके रामदेव भाई को जिन्होंने हमको चांस दिया, कल ही बात हुआ हमारा। ठीक है, सब बाबा कराते हैं भाई, शांति भाई, भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले आने वाला समय में जो भी है, अभी हम लोग चूंकि सभी भाई बहनों को कहीं ना कहीं उमंग उत्साह आता है, और आपका भी इंतजार करेंगे, मुरली का क्लास आप नेक्स्ट टाइम में कराएंगे, हम लोग शेड्यूल फिक्स्ड करेंगे, आप जरूर सुनाएंगे, और हम लोग निश्चित रूप से बाबा का अनुभव हर आत्माओं से सुनना चाहिए, हम लोग के अंदर में ज्ञान की वृद्धि होती है, धारणा भी होती है, एक दूसरे से प्रेरणा भी मिलता है। तो आप भाई जी आप बहुत सहर्ष जो स्वीकार किए बाबा का निमंत्रण और आप आए लाइव, और सभी माताओं बहनों को जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं है ना, वो आपको निश्चित रूप से दुआ के पात्र हैं आप, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से जो है पुनः आप सभी माताओं बहनों से जो भी निवेदन है, कल का मुरली का क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे, बाकी इवनिंग का क्लास जो भी हम लोग का कोर्स का चल रहा है हम लोग देख लेते, क्यों न्यू लोग अगर आते हैं तो थोड़ा सा कोर्स का हम लोग फोकस करेंगे, ऐसी कोर्स का बैच हम लोग नेक्स्ट एक डेट फिक्स करेंगे, जिसमें वन वीक आफ्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसमें से सभी आप सभी को भी बताएंगे और वो सब सारा चीज़ें आपके पास में जाएगा। ऐसे इवनिंग में हम लोग अभी फाइनल इवनिंग का क्लास अभी हम लोग फाइनल नहीं रखेंगे, क्योंकि कोई नए लोग अगर आते तो उन लोग को थोड़ा सा कोर्स के लिए एक डेट फिक्स करके हम उनको बताते रहेंगे कि इस डेट में स्टार्ट होगा आपका कोर्स, तो इस डेट्स में आप जरूर रहें। अभी जो भी लोग आएंगे, बाकी एक नया मैसेज आप लोगों के पास में पहुँच जाएगा। तो आज हम लोग यहीं पे कार्यक्रम एंड करते हैं, ठीक है विश्वजीत भाई, फिर हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू, ओम शांति, बहुत बहुत शुक्रिया, ओम शांति, आप सभी को शुक्रिया।